Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to study chapter number 3 of class 7th history, and the chapter's name is The Delhi Sultans. So first of all, if you haven't watched the earlier chapters, then please click on the I button, there you will find the playlist. And if you are new to the channel, then please subscribe it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So let's start with our today's chapter, the Delhi Sultans. So जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि इस चैप्टर में हम दिल्ली सुल्तान्स के बारे में पढ़ेंगे, ऐसे सुल्तान जैसे किंग्स के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने दिल्ली पर राज किया. हम देखेंगे किस तरह दिल्ली एक इम्पोर्टेंट सिटी बनी और अलग अलग डायनेस्टीज ने इस पर कब्जा किया, इस पर राज किया, किस तरह उन लोगों ने अलग अलग डेवलपमेंट्स की इस सिटी में. तो ये सभी चीजें हम इस पूरे चैप्टर में देखने वाले हैं. तो पिछले चैप्टर में हमने अलग अलग रीजन्स के बारे में पढ़ा, हमने कन्नौज के बारे में पढ़ा, हमने कावेरी डेल्टा के बारे में पढ़ा कि किस तरह जो कावेरी डेल्टा है वो एक लार्ज किंगडम का सेंटर बन चुका था, एक इम्पोर्टेंट सिटी बन चुकी थी. जो पूरा एरिया था कावेरी डेल्टा के आसपास वाला एरिया बहुत इंपॉर्टेंट एरिया बन चुका था. बट आप लोग नोटिस करोगे कि सेकेंड चैप्टर में हमने कहीं पर भी किसी भी ऐसे किंगडम की बात नहीं की जिसमें कि दिल्ली को उसकी कैपिटल बताया हो, राइट? हमने ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा. तो ऐसा क्यों, क्यों हमने ऐसा कोई किंगडम नहीं पढ़ा जिसमें दिल्ली का जिक्र किया हो? क्योंकि जो दिल्ली है वो एक इम्पॉर्टेंट सिटी 12th century के बाद से बनी. मतलब कि जिस पीरियड की हम बात कर रहे थे चैप्टर 2 में, उस पीरियड तक दिल्ली एक इम्पॉर्टेंट सिटी नहीं बनी थी. सो ओनली आफ्टर द 12th century दिल्ली बिकेम एन इम्पॉर्टेंट सिटी. तो जैसा कि आप यहाँ टेबल में देखोगे कि सबसे पहले यहाँ पे दिखाया हुआ है द रूलर्स ऑफ दिल्ली. तो इसमें राजपूत डायनेस्टीज दिखाई हुई है कि तोमार्स जो थे. तो सबसे पहले जो दिल्ली थी, एक इम्पॉर्टेंट सिटी बनी थी, जो कैपिटल सिटी बनी थी, वो बनी थी तोमार्स राजपूत जो थे उनके बीच में, उनके अंडर बनी थी. ठीक है, तो जो तुम्हारा राजपूत थे उनके अंडर दिल्ली सबसे पहले एक कैपिटल सिटी बनी थी. और उसके बाद जो दिल्ली, ये जो तुम्हारा राजपूत थे उन लोगों को मिडिल 12th century में चौहानाज ने हरा दिया था, जिन्हें चाहमनाज भी कहा जाता है. तो चौहान ने तुम्हारा राजपूत को हरा दिया था इन द मिडल ऑफ 12th century, राइट? और जो दिल्ली वाला एरिया था फिर वो चौहान ने अपने अंडर ले लिया. तो सबसे पहले जो तोमार्स थे, जो चौहान थे, उनके अंडर ही दिल्ली एक इम्पॉर्टेंट सिटी बनी. ठीक है, एक कमर्शियल सेंटर बना. कमर्शियल सेंटर मतलब कि जहाँ पे ट्रेड वगैरह बहुत ज्यादा हो रही है, जहाँ पे खरीद बेच ये सब बहुत ज्यादा हो रहा है, राइट? एक इम्पॉर्टेंट सेंटर का किस डायनेस्टी के बीच में उभर कर आया सबसे स्टार्टिंग में, वो थे तुम्हारा राजपूत जो तुम्हारा डायनेस्टी थी और जो चौहान डायनेस्टी थी. तो इनके अंडर सबसे पहले दिल्ली एक इम्पॉर्टेंट सिटी बनी. तो बहुत सारे रिच जैना मर्चेंट्स रहते थे, वो जैना जो व्यापारी रहते थे, और उन्होंने सिटी में अलग अलग तरह के बड़े बड़े टेम्पल्स बनवाए. और उस टाइम पे दिल्ली में जो कॉइन चलते थे, जो कॉइन बनते थे, वो थे दिल्ली वाल्स उन्हें कहते थे. और वो कॉइन्स बहुत ज्यादा सर्कुलेशन में थे उस टाइम पे, बहुत ज्यादा चलन में थे. ठीक है, तो दिल्ली में जो कॉइन्स बनते थे उस टाइम पे वो थे दिल्ली वाल्स, उन्हें दिल्ली वाल्स कहा जाता था. अब हमने देखा कि तुम्हाराज एंड चौहान्स के टाइम पर दिल्ली एक इम्पॉर्टेंट सिटी बनी. बट बहुत ज्यादा जो इम्पोर्टेंट सिटी दिल्ली कब बनी, वो था ये दिल्ली सल्तनत के टाइम पे. कि मतलब दिल्ली एक ऐसी कैपिटल बनी कि जिसके अंडर सब कॉन्टिनेंट का बहुत ज्यादा एरिया जो है कंट्रोल में है. ठीक है, तो ऐसी सिटी दिल्ली बनी दिल्ली सल्तनत के अंडर ही. सो इन द बिगनिंग ऑफ 13th century, तो 13th century के शुरुआत में ही दिल्ली सल्तनत आई थी और उनके टाइम पर ही दिल्ली एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सिटी बनी, एक ऐसी कैपिटल बनी जिसके अंडर काफी ज्यादा एरिया आता है. ठीक है, अब जिसके अंडर काफी ज्यादा एरिया आता है, इसका मतलब क्या है कि जो राजा है, जो राजा उस एम्पायर पे, उस पूरे जगह पे रूल कर रहा है, उसने कैपिटल किसको बनाया हुआ है, दिल्ली. और जो पूरा एम्पायर जिस पे वो रूल कर रहा है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, जो एरिया है उसका किंगडम है वो बहुत ज्यादा बड़ा है. तो वही इसका मतलब है कहने का, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली इनटू कैपिटल दैट कंट्रोल वास्ट एरियाज ऑफ द सब कॉन्टिनेंट स्टार्टेड विद द फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत. तो वही दिल्ली सल्तनत के साथ जो दिल्ली थी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस गेन की. अब दिल्ली सल्तनत जब आए थे तो दिल्ली सुल्तान्स ने काफी सारी अलग अलग सिटीज बिल्ड की दिल्ली के अंदर ही. ठीक है, तो उन्होंने अपनी अपनी अलग अलग सिटीज बना ली थी दिल्ली के अंदर ही, ऐसा नहीं कि दिल्ली से बाहर, दिल्ली के अंदर ही. जैसे कि आप यहाँ मैप में देखोगे, ये रही दिल्ली, कोहना हो गई, हौस खास, सीरी, जहांपना, तुगलकाबाद, आदिलाबाद, तो ये सारी जो अलग अलग सिटीज थी वो दिल्ली सुल्तान्स ने बनाई थी दिल्ली के अंदर ही.
अब यहाँ पे पांच ऐसी डायनेस्टीज हैं जो मिलकर दिल्ली सल्तनत बनाती हैं। अब वो कौन कौन सी डायनेस्टीज हैं, वो है यहाँ से जो आप ये पढ़ोगे, अर्ली तुर्किश रूलर्स, तो यहाँ से लेके ये जो लोधी डायनेस्टी है, तो यहाँ तक है दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत। तो आप देखोगे अर्ली तुर्किश रूलर्स इसमें है कुतुबुद्दीन ऐबक, तो आप ये पढ़ सकते हो। मैं आपको मेन मेन बता देती हूँ, यहाँ पे खलजी डायनेस्टी जिसमें थे जलालुद्दीन खलजी और अलाउद्दीन खलजी, फिर थे तुगलक डायनेस्टी जिसमें थे गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, तो ये तीन इंपॉर्टेंट रूलर्स थे इसमें। उसके बाद सैयद डायनेस्टी आप देखोगे तो इसमें एक ही इंपॉर्टेंट रूलर है, वो है खिजर खान, और उसके बाद लोधी डायनेस्टी तो है बहलोल लोधी। तो आपको क्या इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जो लास्ट दिल्ली सल्तनत कौन था, लास्ट जो दिल्ली सुल्तान था वो था बहलोल लोधी थे, ठीक है। और फर्स्ट आप देखोगे तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक, तो आपको ये दो इंपॉर्टेंट नेम आपको याद करने हैं। और उसके बाद आप भी आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे तो आपको मैं बताती जाऊंगी क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, राइट। फाइंडिंग आउट अबाउट दिल्ली सुल्तान्स, तो इस सेक्शन में हम जानेंगे कि किस तरह हमें दिल्ली सुल्तान्स के बारे में पता चलता है, कि उनके बारे में इंफॉर्मेशन हमें कहाँ कहाँ से मिलती है। तो वैसे तो जो इंस्क्रिप्शंस हैं, कॉइन्स हैं, आर्किटेक्चर है, इन सबसे हमें काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। बट एक और चीज है जिन्हें हम तारीख या फिर तवारीख कहते हैं। सो तारीख हो गया सिंगुलर में और तवारीख हो गया प्लूरल में, तो इनसे भी हमें काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। अब ये तारीख या तवारीख है क्या, यह है हिस्ट्रीज, राइट, यह है हिस्ट्रीज मतलब पास्ट। तो तारीख और तवारीख से भी हमें काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है दिल्ली सुल्तान के बारे में। और ये जो तारीख थी ये किस लैंग्वेज में लिखी गई थी, ये लिखी गई थी पर्शियन लैंग्वेज में। अब पर्शियन लैंग्वेज में ही क्यों लिखी गई थी, क्योंकि दिल्ली सुल्तान के टाइम में जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो लैंग्वेज यूज होती थी वो थी पर्शियन लैंग्वेज, तो पर्शियन लैंग्वेज ही उनके टाइम पे, दिल्ली सुल्तान के टाइम पे यूज होती थी, राइट। तो अब ये जो तारीख या तवारीख थी वो लिखी किसने थी, तो द ऑथर्स ऑफ तवारीख वर लर्न्ड मैन, जो ज्ञानी लोग थे जिन्हें काफी ज्यादा नॉलेज थी, जैसे कि सेक्रेटरीज हो गए, एडमिनिस्ट्रेटर्स हो गए, पोएट्स हो गए, कोर्टियर्स हो गए, मतलब कि इन दिल्ली सुल्तान्स के जो भी दरबार में काफी जो लर्न मैन थे, जो अलग अलग तरह के लोग थे, चाहे वो सेक्रेटरीज हो, एडमिनिस्ट्रेटर्स हो, पोएट्स वगैरह हो, तो वो लोग इन तवारीख को या तारीख को लिखते थे। अब ये लोग दिल्ली सुल्तान्स को अलग अलग चीजों में हेल्प करते थे, वो लोग अलग अलग मुद्दों पे एडवाइस करते थे रूलर को कि आपको ये करना चाहिए, आपको इस तरह करना चाहिए, ठीक है, गवर्नेंस में एडवाइस करते थे। और वो लोग जस्ट रूल पे, मतलब कि न्याय पे, ऐसा रूल जिसमें न्याय पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाए, सबको जस्टिस मिले, ऐसी चीज पे ये लोग बहुत ज्यादा फोकस करते थे ये लोग, राइट। नाउ द सर्कल ऑफ जस्टिस, कि इसमें एक इस सेक्शन में क्या बताया गया है कि जो जस्टिस है उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो फकरे मुदाबिर रोट इन द 13th सेंचुरी, तो उन्होंने क्या लिखा है, जो फकरे मुदाबिर है उन्होंने ये लिखा है, अ किंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सोल्जर्स। जाहिर सी बात है कि एक राजा सैनिकों के बिना कैसे सर्वाइव कर सकता है, एक राजा लड़ता भी है तो वो सैनिकों के दम पे ही लड़ता है, ऐसा तो है नहीं कि वो खुद ही सबसे पहले जाके लड़ जाता है, पहले वो अपनी सेना को भेजता है, जो भी उसका एम्पायर है, जो भी उसका किंगडम है, उसकी सेफ्टी कौन करता है, सुरक्षा कौन करता है, सोल्जर्स करते हैं। तो ऑफकोर्स किंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सोल्जर्स, एंड सोल्जर्स जो है वो अपनी सैलरीज के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते, मतलब कि कोई आपके लिए काम कर रहा है तो वो मुफ्त में तो काम करेगा नहीं, वो काम क्यों करेगा जब उसके बदले आप उसको कुछ दोगे। तो सोल्जर्स को अगर सैलरी मिलेगी तो वो खुशी खुशी काम करेंगे, अगर नहीं मिलेगी तो वो भी काम छोड़ के भाग जाएंगे, ठीक है। तो सोल्जर्स कैन नॉट लिव विदाउट सैलरीज, और ये सैलरीज आएंगे कहाँ से, राजा ये सैलरी देने के लिए पैसा लाएगा कहाँ से, सैलरीज कम फ्रॉम द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम द पेजेंट्स। अब क्योंकि उस टाइम पे, पुराने टाइम पे, सबसे ज्यादा जो लोग ऑक्यूपाइड थे वो थे एग्रीकल्चर में, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते थे। आज भी लगभग 60% जो लोग हैं वो हमारे इंडिया पे भी आजकल एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं। तो उस टाइम पे भी एग्रीकल्चर जो था वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर था ऑक्यूपेशन का, तो वहां से रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा कि लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था, अलग अलग तरह के टैक्सेस कलेक्ट किए जाते थे, और फिर इन टैक्सेस को कलेक्ट करके अलग अलग राजा की नीड्स को, सैलरीज वगैरह देनी है, जो भी खर्चा था वो चलाया जाता था। तो सैलरीज कहाँ से मिलती थी, राजा जो है वो टैक्स लगाता था, पेजेंट से रेवेन्यू लेता था, और उन रेवेन्यू वाले पैसे से वो अपने सोल्जर्स को सैलरी देता था। बट पेजेंट्स जो है वो टैक्स कब दे पाएंगे,
वो राजा को पैसा कब दे पाएंगे? जब उनकी खुद की फसल होगी, जब उनकी अच्छी फसल होगी, जब उनके पास खुद पैसा होगा, जब वो प्रॉस्पेरस होंगे, जब वो खुश होंगे, तभी तो आगे वो अच्छे से टैक्स पे कर पाएंगे। उनकी फसल तो हुई नहीं, उनका जो सामान है, जो प्रोड्यूस है, वो तो बिका नहीं, तो उनको खुद को पैसे नहीं मिलेंगे, तो आगे वो पैसे कहाँ से देंगे? तो पेजेंट जब तक पैसे नहीं दे पाएंगे, जब तक कि वो खुद प्रॉस्पेरस एंड हैप्पी ना हो। और पेजेंट्स कब प्रॉस्पेरस एंड हैप्पी होंगे? जब जो किंग है वो जस्टिस एंड ऑनेस्ट गवर्नेंस चलाएगा, राइट? तो देखा किस तरह जो जस्टिस है एंड जो ऑनेस्टी है वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है एक पूरे सिस्टम को अच्छे से चलाने में। कि जब राजा जस्टिस ही नहीं देगा आम लोगों को, तो लोग खुश नहीं रहेंगे। जब लोग खुश नहीं रहेंगे तो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, वो कमा अच्छे से नहीं पाएंगे। जब वो कमाएंगे नहीं अच्छे से, तो वो आगे टैक्स नहीं पे कर पाएंगे। जब टैक्स नहीं पे होगा, तो राजा जो है वो अपने अलग अलग खर्चों को कैसे फुलफिल करेगा, कैसे उनको पे करेगा, राइट? तो इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जस्टिस हो एक एम्पायर में, किंगडम में, और ऑनेस्टी भी हो। अब ये कुछ बातें इन्होंने ध्यान में रखने के लिए कहा है। कीप द फॉलोइंग एडिशनल डिटेल्स इन माइंड। नाउ फर्स्ट इज कि जो हमने ऑथर से तवारीख लिखी है, तो हमने देखा कि वो लर्न्ड मैन थे, वो कोर्टियर्स थे, वो पोएट्स थे, वो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, वो ये लोग थे। तो ये जो लर्न्ड मैन थे, जो ऑथर्स थे तवारीख के, वो लोग सिटीज में रहते थे। मेनली बात करें तो वो दिल्ली में रहते थे, वो गांव वाले इलाके में नहीं रहते थे। अब ये बात आपको ध्यान में रखने के लिए क्यों कही जा रही है कि वो सिटीज में रहते थे, इस चीज पे क्यों फोकस किया जा रहा है? क्योंकि अगर कोई इंसान जिस माहौल में रह रहा है, जिस प्लेस पे वो रह रहा है, वो उसी से रिलेटेड अपनी चीजें लिखेगा, उसके अकाउंट्स में भी वही चीज दर्शेगी, है ना? कि उसी चीज का रिफ्लेक्शन आएगा कि जिस तरह के माहौल में वो रह रहा है। तो अगर ये तवारीख जिन्होंने लिखी, अगर वो सिटीज में रहते थे, जो वो अकाउंट्स लिखेंगे, जो वो तवारीख लिखेंगे, जो वो हिस्ट्रीज लिखेंगे, वो भी सिटीज से रिलेटेड होगी। उसमें गांव वाले इलाकों का वर्णन इतने अच्छे से नहीं मिलेगा आपको। सिर्फ जो सिटी में जो लाइफ है, जो राजा महाराजाओं की लाइफ है, वही चीज आपको इनके राइटिंग्स में देखने मिलेगी। सेकेंड, दे ऑफन रोट देयर हिस्ट्रीज फॉर सुल्तान्स इन होप ऑफ रिच रिवॉर्ड्स। तो अब ये लोग जो तवारीख लिखते थे, तो वो लोग किस उम्मीद में लिख रहे थे? कि वो लोग ये उम्मीद करते थे कि हम अगर अच्छा अच्छा सा हिस्ट्रीज लिखेंगे, मतलब राजा के बारे में बहुत बड़ा चढ़ा के उसकी तारीफ करके लिखेंगे, तो हमें रिच रिवॉर्ड्स मिलेंगे, है ना? उन्हें रिवॉर्ड्स कब मिलेंगे? जब वो तारीफ करेंगे तभी तो। अगर बेइज्जती कर दी तो सुल्तान तो उन्हें लात मार के भगा देगा कि जाओ यहाँ से। तो जब उनकी तारीफ करेंगे तभी तो सुल्तान उन्हें रिच रिवॉर्ड देगा। तो वो लोग हिस्ट्रीज किस होप में लिखते थे, किस उम्मीद में लिखते थे कि राजा जो है, जो सुल्तान है, वो खुश होकर उनको बढ़िया बढ़िया से इनाम देगा। तो अब इससे आप क्या ध्यान में रख सकते हो कि इनके हिस्ट्रीज में आपको ज्यादा से ज्यादा तारीफ देखने मिलेगी, क्रिटिसिज्म आपको इतना देखने नहीं मिलेगा। क्योंकि वो लोग ये क्यों किस क्यों लिख रहे हैं? देवर एक्सपेक्टिंग रिच रिवॉर्ड फ्रॉम द सुल्तान, क्योंकि उन्हें तो भाई बढ़िया बढ़िया से इनाम चाहिए। तो अगर वो बेइज्जती कर देंगे तो उन्हें इनाम नहीं मिलेंगे। तो आप देखोगे कि यहाँ पे सिर्फ अच्छी साइड, और अच्छी भी कैसी साइड, कि बढ़ा चढ़ा के हो सकता है कि जो इन्होंने तारीफ की हो वो रियल ना हो, है ना? ये भी हो सकता है, और हो सकता है कि कुछ रियल भी हो। तो आप देखोगे कि क्रिटिसिज्म इतना ज्यादा नहीं देखने मिलेगा और तारीफ आपको ज्यादा देखने मिलेगी, और हो सकता है कि वो तारीफ भी रियल ना हो, ठीक है? एंड थर्ड इज, दीज ऑथर्स एडवाइज रूलर्स ऑन द नीड टू प्रिजर्व एन आइडियल सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन बर्थ राइट एंड जेंडर डिस्टिंक्शन। तो ये जो लर्न्ड मैन थे, ये लोग क्या कहते थे कि एक जो सोसाइटी है उसमें एक प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए, एक आइडियल सोशल ऑर्डर होना चाहिए। किस तरह? मतलब एक तरह से इनका कहना था कि जो सोसाइटी है वो कुछ टुकड़ों में बांट दी जानी चाहिए। कैसे बांट दी जानी चाहिए? कि बेस्ड ऑन बर्थ राइट, कि हमारी सोसाइटी में, उन लोग का ये कहना था, ये ऑथर्स का, कि सोसाइटी में बर्थ राइट होना चाहिए। बर्थ राइट मतलब कि कुछ लोगों को उनके जन्म के बेसिस पर, उनके बर्थ के बेसिस पर कुछ प्रिविलेजेस मिल जाती हैं, ठीक है? जैसे कि जो नोबल्स हैं उनको राइट मिल जाता है राज करने का। मतलब कि जैसे राजा का बेटा राजा बनता है, क्यों बनता है? क्योंकि वो उस पर्टिकुलर फैमिली में पैदा हुआ है। तो ये बर्थ राइट हो गया ना, कि किसी को एक प्रिविलेज मिल रही है, किस बेसिस पर? कि वो एक पर्टिकुलर फैमिली में जन्म लिया है। ऐसे ही कुछ लोगों को बहुत सारी तकलीफें झेलनी पड़ रही हैं, सिर्फ किस लिए? क्योंकि वो एक पर्टिकुलर फैमिली में पैदा हुए हैं, ठीक है? अब मान लो जैसे शूद्र हैं, तो अगर कोई शूद्र की फैमिली में पैदा हुआ है तो उसको इतनी ज्यादा प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगी, राइट? उसको तो उसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा जिस तरह की उससे पेरेंट्स को ट्रीट किया जाता था। तो वही है कि इन लोगों का कहना था कि बर्थ राइट के बेसिस पर एक सोशल ऑर्डर होना चाहिए, कि हर एक इंसान को उसके बर्थ राइट के बेसिस पर राइट मिलने चाहिए, उसके बर्थ के बेसिस पर राइट मिलने चाहिए। जिस फैमिली में उसने जन्म लिया है उसके बेसिस पर ही उसको ट्रीट किया जाना चाहिए।
और उसके बाद जेंडर डिस्टिंक्शंस। तो इन लोग का मानना था कि गॉड ने कुछ इस तरीके से हमें बनाया है, और जो गॉड ने जो ऑर्डर लिखा है, जो रूल लिखा है, तो उसमें ये बताया गया है कि जो मेन है वो सुपीरियर है एंड वेमेन जो है वो इतनी सुपीरियर नहीं है, वो सबऑर्डिनेट है मैन के। तो जेंडर डिस्टिंक्शन मतलब सोशल एंड बायोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन वेमेन एंड मैन, यूजुअली दीज डिफरेंसेज आर यूज टू आर्ग्यू दैट मैन आर सुपीरियर टू वेमेन। तो जो बायोलॉजिकल एंड सोशल डिफरेंसेस थे, बायोलॉजिकल मतलब कि जैसे हम फिजिकली मैन जो होते हैं वो मान लो थोड़े से स्ट्रांग माने जाते हैं, वेमेन इतनी स्ट्रांग नहीं मानी जाती। सोशली भी कि जैसे मैन जो है राजा जो है वो रूल करता है, रानी जो है वो सिर्फ बैठती है, वो रूल वगैरह नहीं करती, वो लड़ाइयाँ लड़ने नहीं जाती। तो कुछ इस तरीके से क्या माना जाता है कि जो मेन है वो सुपीरियर है। तो इन लोग का कहना था कि बर्थ राइट होना चाहिए और जेंडर डिस्टिंक्शन होना चाहिए, कि आदमी को सुपीरियर रहना चाहिए और वेमेन को सबऑर्डिनेट की तरह रहना चाहिए। बट देयर आइडियाज वर नॉट शेयर्ड बाय एवरीबडी। अब ये जो ऑथर्स कहते थे कि इनसे सभी लोग सहमत नहीं होते थे। इन 1236 उत्मिश डॉटर रजिया बिकेम सुल्तान। तो आपने रजिया सुल्तान के बारे में बहुत ज्यादा सुना होगा। तो रजिया सुल्तान जो थी वो इल्तुतमिश सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी, ठीक है। तो 1236 में जो रजिया थी वो सुल्तान बनी, वो राजा बन गई, एक्चुअली रानी बन गई, वो क्वीन बन गई। उस टाइम के जो क्रॉनिकलर थे मिनाजे सिराज, वो बताते हैं, वो ये मानते थे कि जो रजिया है वो बहुत ही ज्यादा एबल एंड क्वालिफाइड है, मतलब कि उनमें ये क्षमता है, वो इतनी ज्यादा लायक हैं, उनके भाइयों से जितने भी उनके भाई थे उनसे ज्यादा एबल एंड क्वालिफाइड है, उनसे ज्यादा सक्षम है एक इस गद्दी पे बैठने के लिए। बट द प्रॉब्लम वॉज कि वो खुद इतने ज्यादा कंफर्टेबल नहीं थे कि एक वो एक लड़की को रूल करता हुआ देख रहे थे, ठीक है। मतलब कि एक तरह से वो मान तो रहे थे कि रजिया जो है वो सक्षम है, उसके पास कैपेबिलिटीज हैं, शी इज एबल, बट एक तरह से उन्हें ये हजम नहीं हो रहा था कि यार एक लड़की कैसे रूल कर रही है हम पे। लड़की तो सबऑर्डिनेट होती है, वुमेन आर सबऑर्डिनेट, मैन आर सुपीरियर, हाउ कैन अ गर्ल रूल अस। तो वो लोग ये सोच रहे थे, जो मिनाजे सिराज थे वो ये मान रहे थे कि ही वॉज नॉट कंफर्टेबल एट हैविंग अ क्वीन एज रूलर। तो वो एक रानी को अपना रूलर देखकर थोड़ा सा कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे, और ना ही जो दूसरे नोबल्स थे वो खुश थे, वो ये देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थे कि जो रजिया है एक औरत होकर इंडिपेंडेंटली रूल करने की कोशिश कर रही है। तो इसी कारण से मतलब अब कोई लोग ज्यादा खुशी नहीं थे उनके साथ। तो सभी लोगों ने क्या किया, मतलब लास्ट में शी वॉज रिमूव फ्रॉम द थ्रोन इन 1240। तो 4 साल बाद उनके गद्दी पर बैठने के 4 साल बाद उन्हें उनके पोजिशन से हटा दिया गया। एक तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्या मानसिकता है, कि एक तरफ मिनाजे सिराज मान रहे हैं कि भाई इनके पास क्वालिटीज हैं, शी इज कैपेबल, बट उन्हें वो चीज उतनी अच्छी भी नहीं लग रही कि ठीक है कैपेबल है पर एक लड़की हम पे रूल कर रही है, तो वो चीज भी उन्हें अच्छी नहीं लग रही थी। और ज्यादातर लोग खुश नहीं थे कि एक लड़की को अपना सुल्तान देखकर वो खुश नहीं थे। बट मिनाजे सिराज थॉट अबाउट रजिया। अब यहाँ पे डिटेल में हम थोड़ा देखते हैं कि मिनाजे सिराज रजिया के बारे में क्या सोचते थे। मिनाजे सिराज मानते थे कि एक क्वीन का रूल, मतलब कि एक लड़की का रूल, जो क्वीन है वो रूल कर रही है, तो ये हमारे आइडियल सोशल ऑर्डर जो कि गॉड ने बनाया, जो कि भगवान ने बनाया, उसके खिलाफ जा रहा है। इनका कहना था कि भाई भगवान ने क्या बनाया है, जैसे कि मैं आपको बता ही रही हूँ कि इन लोग का सोचना था कि मैन आर सुपीरियर एंड वेमेन आर सबऑर्डिनेट, राइट, और वेमेन जो है वो रूल नहीं कर सकती, इतनी बड़ी गद्दी पे नहीं बैठ सकती। तो इनका ये मानना था कि अगर रजिया रूल कर रही है तो वो एक तरह से भगवान ने जो सोशल ऑर्डर बनाया है, जो भगवान ने एक तरह से हमारे लिए नियम बनाए हैं, उनके खिलाफ रजिया जा रही है, ठीक है। तो रजिया का गद्दी पर बैठना भगवान के रूल के खिलाफ हो रहा है। अब हकीकत में अगर मैं अपनी बताऊं तो भगवान ने तो कोई रूल नहीं बनाया, भगवान ने तो सिर्फ हमें बनाया है ना। भगवान ने तो कोई जाति कोई धर्म कुछ भी नहीं बना के भेजा, भगवान ने तो सिर्फ इंसान भेज दिया, और ये सब हम लोगों ने खुद ने बनाया है। तो जो इनका कहना है कि भगवान के वो इनकी सोच थी कि जो रूल ऑफ गॉड है, जो ऑर्डर ऑफ गॉड तरीके से। बट फिर वो एक तरह से क्वेश्चन करते हैं कि इन द रजिस्टर ऑफ गॉड्स क्रिएशन, मतलब भगवान ने जो चीजें बनाई हैं, एक तरह से उसका जो रजिस्टर है जिसमें भगवान का हर एक लेखा जोखा है, उसके अंडर रजिया जो है वो नहीं आती, सिंस हर अकाउंट डिड नॉट फॉल अंडर द कॉलम ऑफ मैन। कि जो आदमियों का जो कॉलम है, आदमियों के लिए जो ड्यूटी है, उनको उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कैपेबिलिटीज हैं, जो भगवान के रजिस्टर में लिखी हुई हैं, उसमें तो रजिया का जो अकाउंट है वो नहीं आता।
तो फिर क्यों रजिया का को इतनी ज्यादा क्वालिटीज मिली हैं, उसके पास इतनी ज्यादा जो कैपेबिलिटीज हैं वो कैसे हैं, जब इनका क्या मानना था बेसिकली कि भाई भगवान ने तो बोला है कि मैन सुपीरियर है, वेमेन जो है वो सबॉर्डिनेट है, मैन ही रूल कर सकता है, तो इतनी अच्छी क्वालिटीज रजिया के पास आई कहाँ से जब वो उस चीज के अंडर में लाई ही नहीं करती, जब रजिया के पास भगवान के हिसाब से वो राइट नहीं है एक तरीके से कि वो रूल कर सके, तो फिर उसके पास इतनी अच्छी क्वालिटीज कैपेबिलिटीज आई कहाँ से, तो एक तरह से वो सवाल करते हैं। नाउ ऑन हर इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स रजिया मेंशन दैट शी वाज अ डॉटर ऑफ सुल्तान इल्तुतमिश। तो जो भी इंस्क्रिप्शंस रजिया ने लिखवाई थी, जो भी कॉइन्स उन्होंने बनवाए थे, तो उस पे रजिया ने क्या लिखवाया था कि वो सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी हैं, इस तरीके से उन्होंने लिखवाया था। और ये काफी अलग था क्वीन रुद्रमा देवी से, मतलब कि जो क्वीन रुद्रमा देवी थी जो कि 1262 से 1289 तक थी, तो उन्होंने थोड़ा अलग किया था, उन्होंने इस तरीके से नहीं लिखवाया था। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपनी इंस्क्रिप्शंस पर अपना नाम चेंज करवा लिया और एक तरीके से ये प्रिटेंड किया कि वो एक आदमी है, राइट। तो उन्होंने अपनी इंस्क्रिप्शंस वगैरह पे अपना नाम चेंज करवा लिया और इस तरीके से पोज किया कि वो एक मैन है। और दूसरी जो क्वीन थी दिदा, उन्होंने कश्मीर में रूल किया था 1980 से 1003 तक। उनका जो टाइटल है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये जो दिदा आप देख रहे हो, ये दिदा आपको फैमिलियर भी लगेगा दीदी से, तो ये जो दिदा वर्ड है ये दीदी से निकल कर आया है, जिसका मतलब होता है बड़ी बहन, राइट। तो एक तरह से उनकी जो प्रजा थी वो उन्हें प्यार से दिदा बुलाती थी, दीदी बुलाती थी, तो वहीं से इनका नाम जो है वो निकल कर आया। तो इस सेक्शन में हमने देखा कि किस तरह हमें जो तवारीख है, जो तारीख है, उनसे हमें काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है दिल्ली सुल्तान के बारे में। और फिर हमने देखा कि उस टाइम के लोगों की एक तरह से क्या सोच थी, जो अलग अलग क्रोनिकलर्स थे, जो लर्न्ड मैन थे जिन्होंने तवारीख लिखी, उनका क्या सोचना था, किस तरह वो एक विमेन को राज करते हुए नहीं देख सकते थे, दे कैन नॉट सी देमसेल्व रूल्ड बाय अ क्वीन, तो उन्हें वो सब चीज अच्छी नहीं लग रही थी, बल्कि जो बट साथ ही साथ जो मिनाजे सिराज थे वो ये भी मान रहे थे कि रजिया जो है वो काफी ज्यादा लायक है, उनके पास क्वालिटीज हैं। बट ऐसा हो कैसे सकता है कि जब भगवान ने लड़कियों को उस कॉलम में ही नहीं रखा है, फिर जो रजिया है एक लड़की होने के बावजूद उनके पास इतनी अच्छी क्वालिटीज आई कहाँ से, तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर द एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सुल्तनत। तो इस सेक्शन में हम देखेंगे किस तरह जो दिल्ली सुल्तान थे उन्होंने अपना जो एरिया है, अपना एम्पायर है, उसको अलग अलग रीजन्स तक फैलाया। तो इन द अर्ली 13th सेंचुरी, मतलब कि 13th सेंचुरी की शुरुआत तक जो दिल्ली सुल्तान्स थे वो लोग जो गैरिसन टाउन्स होते थे उनको ही कंट्रोल करते थे, वो हिंटरलैंड वाले एरिया को कंट्रोल नहीं करते थे। अब ये गैरिसन टाउन एंड हिंटरलैंड क्या होता है, गैरिसन टाउन वो वाली सेटलमेंट्स होती हैं जो चारों तरफ से फोर्टिफाइड होती हैं। फोर्टिफाइड मतलब क्या होता है कि चारों तरफ से बड़ी बड़ी दीवारें बनी होती हैं, जिससे कि उसे जो दुश्मन वगैरह है उससे प्रोटेक्ट किया जा सके, उनके हमले से बचाया जा सके। तो चारों तरफ बड़ी बड़ी वॉल्स आप लगवा देते हैं तो वही होता है फोर्टिफिकेशन। तो जो गैरिसन टाउन्स हैं वो फोर्टिफाइड सेटलमेंट्स हैं जिनमें सोल्जर्स रहते हैं। तो जो दिल्ली सुल्तान्स थे 13th सेंचुरी में, वो लोग गैरिसन टाउन पर ही कंट्रोल करते थे, वो लोग हिंटरलैंड पे कंट्रोल नहीं करते थे। अब हिंटरलैंड ऑफ द सिटीज कौन सा इलाका है, ये वो इलाका है जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो सप्लाई की जाती हैं, जहाँ से ठीक है बेसिकली गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, सर्विसेज यहाँ से सप्लाई की जाती है, मतलब सर्विसेज दी जाती हैं, तो वो वाला पूरा एरिया है हिंटरलैंड। तो क्योंकि जो हिंटरलैंड है मतलब ऐसा एरिया जहां से गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई होती है, वो वाला एरिया क्योंकि दिल्ली सुल्तान के अंडर नहीं था, तो इसलिए इन लोगों को ट्रेड ट्रिब्यूट एंड प्लंडर के लिए प्लंडर पर डिपेंड रहना पड़ता था सप्लाईज के लिए, ठीक है। जो भी इन्हें गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए उनके लिए इन्हें डिपेंड रहना पड़ता था ट्रिब्यूट पे, प्लंडर पे, या फिर जो ट्रेडिंग वगैरह होती थी उन पे। तो ट्रिब्यूट क्या होता है, ट्रिब्यूट होता है जो कोई जैसे अपनी तरफ से श्रद्धा भाव से जब कोई किसी को एक तरह से गिफ्ट देता है, राइट। और प्लंडर हो गया जो लूट का सामान होता है, तो मतलब जो दिल्ली सुल्तान वगैरह थे वो इधर उधर से लूटपाट मचा रहे हैं, या फिर इन्हें किसी ने गिफ्ट एक तरह से आके दे दिया, ट्रिब्यूट दे दिया है ना गुड्स का। और ट्रेड मतलब कि खरीद बेच वाला सामान, ठीक है, तो खरीदना बेचना वो सब करके ये लोग अपनी सप्लाईज के लिए डिपेंड रहते थे। सप्लाईज मतलब वही गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई, जो भी सामान उन्हें चाहिए। सो बेसिकली ये लोग अपने गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई के लिए इंडिपेंडेंट नहीं थे, ये लोग हिंटरलैंड वाले लोगों पे या फिर अलग अलग चीजों पे डिपेंडेंट थे। तो क्योंकि इन्हें प्रॉब्लम आ रही थी अलग अलग तरीके की, जैसे कि जो कंट्रोलिंग गैरिसन टाउन इन डिस्टेंट बंगाल एंड सेंट फ्रॉम दिल्ली वॉज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट।
तो अलग अलग जो गैरिसन टाउन्स थे उनको बहुत दूर वाले इलाकों से कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। मतलब कि जैसे दिल्ली एंड बंगाल के बीच में आप देखो कितना डिस्टेंस है, सिंध जो है सिंध एंड दिल्ली कितनी कितनी दूर है। अब बंगाल एंड सिंध जैसे इलाके को आप दिल्ली से कंट्रोल कर रहे हो तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता था। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था इन लोगों के लिए, दिल्ली सुल्तान के लिए, गैरिसन टाउन्स को कंट्रोल करना दिल्ली से। और भी अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स आ रही थी, जैसे कि रेबेलियन हो जाता था। रेबेलियन क्या मतलब कि जैसे लोग विद्रोह कर देते हैं किसी चीज के कारण। ठीक है, लोग राजा का सुल्तान का विद्रोह कर रहे हैं, कहीं पे लड़ाइयाँ हो रही है, वॉर हो रही है, इवन बैड वेदर मतलब कि जो खराब मौसम होता है, कहीं पे आंधी तूफान आ रहा है। तो ये सब की वजह से उनके बीच में जो कम्युनिकेशन रूट्स होता था, जिन रूट्स के थ्रू वो एक तरह से मैसेंजर्स पहुंचाते थे या फिर जो भी है कम्युनिकेट करते थे, तो इस वजह से उनका कम्युनिकेशन सिस्टम काफी खराब हो जाता था कभी कभी इन चीजों के चलते। कोई रेबेलियन हो रहा है, कोई वॉर हो रहा है, कोई वेदर जो है वो बहुत खराब हो चुका है, तो इस वजह से इनके कम्युनिकेशन रूट्स में प्रॉब्लम आ जाती थी। अब सिंपल सी बात है, अगर आप किसी चीज़ पे कंट्रोल कर रहे हो तो आपको कम्युनिकेशन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऑर्डर्स पास करने हैं, क्या सिचुएशन चल रही है, तो इन सब चीज़ों के कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब कम्युनिकेशन में ही प्रॉब्लम आ जाएगी तो इन लोगों के लिए कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जा रहा था। इसके अलावा और किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही थी दिल्ली सुल्तान को, जैसे कि ये जो दिल्ली अथॉरिटी मतलब कि ये जो दिल्ली सुल्तान थे, देवर चैलेंज्ड बाय मंगोल इन्वेजन्स, मतलब कि अफगानिस्तान से जो मंगोल इन्वेजन्स आए थे वो लोग यहाँ पे आके एक तरह से इन पे हमला कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, इनको चैलेंज कर रहे थे। तो और इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम थी कि जैसे जो गवर्नर्स होते थे, गवर्नर्स हमने पढ़ा है कि इनको अलग अलग अथॉरिटीज मिल जाती थी, पावर्स मिल जाती थी, और ये लोग जो है ये कोशिश करते थे कि कैसे हम अपने आप को इंडिपेंडेंट करें। तो ये लोग भी जैसे ही राजा की कोई जो सुल्तान है उसकी कोई वीकनेस इन्हें नजर आती थी, जैसे ही इनको लगता था कि जो सुल्तान है वो कमजोर पड़ रहा है, तो ये लोग उस पर हावी होने की कोशिश करते थे, ये लोग अपनी डिपेंडेंस क्लेम करने की कोशिश करते थे जो गवर्नर्स थे। तो कुछ इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो चारों तरफ से जो दिल्ली सुल्तान थे वो लोग फेस कर रहे थे। बट दिल्ली सुल्तान ने इन कठिनाइयों का, इन चैलेंजेस का सामना किया, और धीरे धीरे उन लोगों ने कॉन्सोलिडेशन स्टार्ट किया। कॉन्सोलिडेशन मतलब कि अलग अलग इलाकों को अपने अंडर लेना उन्होंने स्टार्ट किया। तो ये कब स्टार्ट हुआ, जो घियासुद्दीन बलबन है उनके टाइम पे जो कंसोलिडेशन है वो स्टार्ट हुआ, और उसके बाद धीरे धीरे अलाउद्दीन खलजी एंड मोहम्मद तुगलक के टाइम तक ये जो एक्सपेंशन था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। मतलब कंसोलिडेशन की अलग अलग एरियाज को इन्होंने अपने अंडर लेना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो जो फर्स्ट सेट ऑफ कैंपेन था, जो इन्होंने फर्स्ट कैंपेन चलाया था वो था इंटरनल फ्रंटियर की, मतलब अपने इलाके जो है उनके जो रीजन है उनको और किस तरह अपने कंट्रोल में लिया जा सके और बेटर तरीके से। जैसे हमने देखा था कि हिंटरलैंड वाला, हिंटरलैंड जो थी जहाँ से गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई होती थी, वो वाला इलाका जो था वो दिल्ली सुल्तान के अंडर नहीं था। तो ये लोग कोशिश कर रहे थे कि इंटरनल फ्रंटियर मतलब कि जो इनके खुद के एरियाज हैं उन पे बेटर पकड़ पाना, उन पे अच्छे से कंट्रोल करना। तो उसके लिए इन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने हिंटरलैंड्स एंड गैरिसन टाउन्स को कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर दिया, मतलब एक तरह से कंबाइन करना स्टार्ट कर दिया और अच्छे से कंट्रोल करना करने की कोशिश की। तो किस तरह कंट्रोल किया, हिंटरलैंड्स को किस तरह अपने अंडर लिया, तो इन लोगों ने जो फॉरेस्ट थे, जो गंगा या यमुना दोआब वाला जो इलाका था वहां पे जो भी जंगल थे उनको क्लियर किया, सारे जंगलों को काट दिया, पेड़ पौधों को काट दिया। तो अब पेड़ पौधों को काट तो दिया आपने, बट वहां पे जो रहने वाले लोग थे, जो हंटर गैदरर्स थे, जो पेस्टोरलिस्ट थे, हंटर गैदरर्स जो जंगलों की चीजों को इकट्ठा करके अपना घर चलाते, अपना पेट भरते, पेस्टोरलिस्ट जो अपने जानवरों को इधर उधर चराते, जो चरवाहे होते हैं, ठीक है, तो उनका जो हैबिटेट था वो एक तरह से पूरा बिगड़ गया। एक तरह से हो गया कि जैसे आप अपने घर में रह रहे हो और उसको धक्का मार के, लात मार के बाहर निकाल दिया जाए। तो सेम चीज इन लोगों के साथ हुई, इनका तो घर ही जंगल था, बट जब जंगलों को ही काट दिया जाएगा तो लोग रहेंगे कहाँ, जंगलों पे इनका पूरा जीवन डिपेंड करता था। जब सारे पेड़ पौधे काट दिए गए तो ये लोग का तो पूरा जो हैबिटेट था वो डिस्ट्रॉय हो गया। तो हंटर गैदरर्स जो पेस्टलिस्ट थे, तो इन लोगों को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा इस कैंपेन के चलते। अब बाद में इन लोगों ने किया क्या, जब फॉरेस्ट को कटवा दिया, जब सारे पेड़ पौधों को कटवा दिया, तो जंगलों को खाली करवाने के बाद इन्होंने क्या किया, तो इन लोगों ने वो जो भी लैंड्स थी, खाली लैंड हो गई अब तो वो, तो उनको पेजेंट्स को दे दिया एग्रीकल्चर के लिए, ताकि वहां पे और ज्यादा एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिस किया जा सके। क्यों, क्योंकि ये लोग क्या कोशिश कर रहे थे कि जितना ज्यादा एग्रीकल्चर होगा उतना ही ज्यादा हमें एक तरह से रेवेन्यू भी मिलेगा और जो फूड्स हैं, जो गुड्स की सप्लाई है वो भी बढ़ जाएगी। इन लोगों को किसी और पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा अपने गुड्स की सप्लाई के लिए, जो भी प्रोड्यूस हो रहा है तो वो लोग अपने इलाके से ही ये लोग ले सकते हैं। तो कुछ इस वजह से इन लोगों ने एग्रीकल्चर को इनकरेज किया, बट किसके कॉस्ट पे, जो हंटर गैदरर्स हैं, जो पेस्टलिस्ट थे उनके कॉस्ट पे, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा।
और इसके अलावा न्यू जो फोर्ट्रेसेस थे, मतलब कि जो नए नए किले थे, गैरिसन टाउन्स, तो नॉर्मल टाउन्स, तो ये सब चीजें एस्टेब्लिश की गई, ठीक है। तो नए नए किले बनाए गए, गैरिसन टाउन्स, गैरिसन टाउन्स अगेन वही जहाँ पे फोर्टिफिकेशन वाला एरिया है और जहाँ पे सोल्जर्स रहते हैं वो वाला एरिया, टाउन्स जो लोगों के रहने के लिए जो टाउन्स हैं वो एस्टेब्लिश कराए, ताकि ये लोग जो ट्रेड रूट्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर सकें और अपनी जो रीजनल ट्रेड है उसको बढ़ा सकें। क्योंकि अब ट्रेड रूट क्या होता है कि जिस जहां से जिन रूट से जो मर्चेंट्स वगैरह हैं, जो ट्रेडर्स हैं, वो अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं खरीदने बेचने के लिए, राइट। तो ये सभी चीजें, तो जो रूट्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको अपने अंडर लेने के लिए, और उसके बाद अपने रीजनल ट्रेड, मतलब कि जो इनके इलाके से जो खरीद बेच हो रही है, जो इनके इलाके की ट्रेड है, उसको प्रमोट करने के लिए इन लोगों ने ये सारे टाउन्स, न्यू फोर्ट्रेसेस, ये सब। अब जो दूसरा एक्सपेंशन था वो था इनका एक्सटर्नल फ्रंटियर, मतलब कि जो इनके जो भी पहले इलाका इनके अंडर था, अब उसके बाहर जाके ये लोग कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। मतलब कि इन लोगों ने मिलिट्री एक्सपीडिशंस की साउदर्न इंडिया में, और ये जो एक्सपीडिशंस थी ये अलाउद्दीन खलजी के टाइम से स्टार्ट हुई। मतलब कि जो साउदर्न इंडिया में ये लोग जो एक्सपीडिशन कर रहे थे वो चीज़ कब से स्टार्ट हुई? अलाउद्दीन खलजी के टाइम पे। और इन लोगों ने धीरे धीरे सारे जो इलाके थे उनको अपने अंडर लेने की कोशिश की, और उसके बाद कल्मिनेटेड विद मोहम्मद तुगलक, मतलब उसके बाद जो मोहम्मद तुगलक थे उन्होंने भी अपने जो एरिया है उसको बढ़ाने की कोशिश की। इन देयर कैंपेन्स सल्तनत आर्मीज कैप्चर्ड एलिफेंट्स, हॉर्सेस एंड स्लेव्स एंड कैरीड अवे प्रेशियस मेटल्स। अब जब ये एक्सपीडिशंस कैरीड ऑन की जाती थी, जब जो आर्मीज थी दिल्ली सुल्तान की, जब वो अलग अलग इलाके में जाके रेड करते थे एक तरीके से, तो वो लोग करते क्या थे, वो लोग उस इलाके में जो भी चीजें हैं, जो वैल्यूएबल चीजें हैं, उनको अपने कब्जे में लेते थे। जैसे कि जो एलिफेंट्स हो गए, एलिफेंट्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं वॉर में, हॉर्सेस हो गए, स्लेव्स, स्लेव्स कौन होते हैं, जैसे एक तरह से बंधुआ, कि जब इंसानों को अपने कंट्रोल कर लिया जाता है, इंसानों को एकदम ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो स्लेव्स वो लोग होते हैं जिन्हें कोई अपने अंडर कर लेता है, कि उनकी मर्जी से काम होता है, स्लेव्स जो है अपने मालिक की मर्जी से काम करते हैं, तो वो सब चीजें, तो स्लेव्स हो गए, और जो प्रेशियस मेटल्स थे वो सब चीजें ये लोग अपने कंट्रोल में कर लेते थे। तो बाय द एंड ऑफ मोहम्मद तुगलक रेन, मतलब कि जो मोहम्मद तुगलक का शासन काल था उसके खत्म होने तक, उसके एंड तक, लगभग उस टाइम तक 150 ईयर्स हो चुके थे जब से जो दिल्ली सल्तनत आई थी। तो दिल्ली सल्तनत के जब तक लगभग 150 साल हो चुके थे। तो इन 150 सालों में, ऑलमोस्ट 150 ईयर्स में क्या हुआ कि जो आर्मीज थी दिल्ली सल्तनत की, उन्होंने लार्ज पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट पे एक तरह से रेड कर चुकी थी, उन्होंने एक्सपीडिशन चला चुके थे, ठीक है। तो वो अलग अलग इलाकों में, जो दिल्ली सल्तनत की जो आर्मीज थी वो अलग अलग इलाकों में जा रही थी, वहां पे वॉर कर रहे थे, वो लोग इलाकों को अपने अंडर ले रहे थे। तो वो लोग जो राइवल आर्मीज थी उनको हरा रहे थे, उनकी जो सिटीज थी उनको अपने कब्जे में ले रहे थे, ठीक है। तो जब इन लोगों ने अपनी अलग अलग सिटीज जो अपने कब्जे में ले ली, तो फिर उसका क्या करेंगे लोग, तो उस पर टैक्स कलेक्ट करेंगे वहां से, है ना। उनके जो भी पेजेंट्री थी, जो भी लैंड रेवेन्यू वगैरह, वो सब कलेक्ट करेंगे। तो द सल्तनत कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम द पेजेंट्री एंड डिस्पेंस जस्टिस इन इट्स रियल्म। तो वहां से इन लोगों ने पेजेंट्री से, जो पेजेंट्स थे उनसे टैक्स कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, और वहां पे अपने हिसाब से जस्टिस प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया, कि हम यहाँ का जो भी जस्टिस वाला जो सिस्टम है वो हम देखेंगे, वो हम कंट्रोल करेंगे। बट सवाल ये उठता है कि हाउ कंप्लीट एंड इफेक्टिव वॉज इट्स कंट्रोल ओवर सच अ वास्ट टेरिटरी। जब इन लोगों ने इतने बड़े इलाके में अपना कब्जा तो कर लिया, बट ये जो सिस्टम था पूरा, एडमिनिस्ट्रेशन थी जो, वो कितनी ज्यादा इफेक्टिव थी, ये कितने अच्छे से सारे सिस्टम को, सारी टेरिटरी को कंट्रोल कर रहे थे। तो इस चीज का ये जो सवाल है वो उठता है। तो जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हो कि यहाँ से दिल्ली से लेकर किस तरह अलग अलग एक्सपीडिशन चलाई गई अलग अलग एरिया में। तो ये है अलाउद्दीन खलजीज कैंपेन इन टू साउथ इंडिया, कि जो अलाउद्दीन खलजी थे उन्होंने किस तरह अलग अलग कैंपेन चलाए साउथ इंडिया में। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो चित्तौड़ है, यहाँ पे यादवास वाली जो इलाका है, देवगिरी, तो आप देख सकते हो इस मैप में कि इन लोगों ने किस तरह पूरा एक्सपीडिशन चलाया, ताकि जो साउथ इंडिया है उसको भी ये लोग अपने कंट्रोल में ले सकें। तो यहाँ इस फिगर में कुवत इस्लाम मॉस्क एंड मिनारत को शो किया हुआ है। तो ये जो थे इनको 12th सेंचुरी के एंड में बनवाया गया था, एंड ये जो मॉस्क है ये कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क है ऑफ फर्स्ट सिटी बिल्ड बाय दिल्ली सुल्तान। मतलब कि दिल्ली सुल्तान ने जो फर्स्ट सिटी बनवाई थी, जो कि थी दिल्ली कोहुना,
तो उस सिटी का ये कॉन्ग्रिगेशनल मॉस्क्यू था। तो कॉन्ग्रिगेशनल मॉस्क क्या है? वो मॉस्क है मतलब सामूहिक मॉस्क है ये, कि जहाँ पे सभी लोग, बहुत ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं, प्रेयर करते हैं, राइट। तो ये जो था, ये दलिए कुहना का कॉन्ग्रिगेशनल मॉस्क था, और इस मॉस्क को इल्तुतमिश एंड अलाउद्दीन खलजी ने जो है वो बनवाया था, आगे बढ़वाया था। एंड जो मीनार है, जो कुतुब मीनार है, इसको दो सुल्तान ने, मेनली दो सुल्तान ने बनवाया था, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक एंड इल्तुतमिश जो सुल्तान थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको स्टार्ट करवाया था, एंड इसको खत्म इल्तुतमिश ने करवाया था कुतुब मीनार को। तो एक कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क्यू में, जैसा कि ये सामूहिक है, तो यहाँ पे जो भी मुस्लिम्स हैं वो एक साथ प्रेयर देते हैं, और जो भी मेंबर्स ऑफ कॉन्ग्रीगेशन होते हैं, जो लोग होते हैं, वो लोग मोस्ट रिस्पेक्टेड और लर्न्ड मेल को अपना लीडर चुनते हैं, जिसे इमाम कहते हैं, राइट। सो ये लोग जो हैं, जो भी मेंबर्स होते हैं कॉन्ग्रीगेशन के, वो लोग सबसे, जो उनको लगता है कि सबसे रिस्पेक्टेड मैन हैं, जो भी सबसे ज़्यादा ज्ञानी हैं, जो, तो उनको अपना लीडर चुनते हैं, और उस लीडर को क्या कहते हैं? इमाम कहते हैं। और जो इमाम है, वो सारे रिचुअल्स वगैरह करवाते हैं प्रेयर की, और फ्राइडे को जो इनके खुतबा होता है, वो भी इमाम ही पढ़ते हैं। और प्रेयर के टाइम मुस्लिम जो हैं वो मक्का की तरफ फेस करके रखते हैं, जिस तरफ मक्का है उस तरफ वो फेस करते हैं, और इंडिया में मक्का जो है वो वेस्ट की तरफ लाई करता है। तो जो मक्का है वो किधर पे? अफगानिस्तान में, और इंडिया से अफगानिस्तान जो है वो वेस्ट में है, राइट। तो इसीलिए इंडिया जो मक्का है इंडिया में, वो वेस्ट तरफ पड़ता है, और लोग जो है वो वेस्ट तरफ फेस करके प्रेयर देते हैं। और इसको क्या कहा जाता है? इसको किबला कहा जाता है। किबला क्या? वो डायरेक्शन है मक्का की। जो दिल्ली सुल्तान्स ने थे, उन्होंने बहुत सारे अलग अलग सिटीज में मॉस्क बनवाए, और वो ये मॉस्क बनवा के क्या शो करना चाहते थे? वो ये शो करना चाहते थे कि दैट दे वर प्रोटेक्टर्स ऑफ इस्लाम एंड मुस्लिम्स, कि वो जो इस्लाम है एंड मुस्लिम्स हैं, उनके वो रक्षक हैं। अब मॉस्क बनवाने से जो दिल्ली सुल्तान्स थे, उन्हें एक और फायदा हुआ कि इसने, मॉस्क ने, दे क्रिएटेड द सेंस ऑफ अ कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स। एक तरह से जो बिलीवर्स थे, उनकी कम्युनिटी एक तरह से बिल्ड हो गई, जो सेम चीजें शेयर करते थे, जो सेम चीजों पे बिलीव करते थे, सेम कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करते थे। तो एक तरह से वो लोग जो है साथ आने लग गए, उन लोग को सेंस ऑफ कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स जो है वो बढ़ने लग गया। अब ये जो सेंस ऑफ कम्युनिटी था, जो आइडिया ऑफ कम्युनिटी था, ये क्यों जरूरी था? क्योंकि जो मुस्लिम्स हैं वो काफी अलग अलग वैरायटी ऑफ बैकग्राउंड से आते हैं, तो अगर एक सेंस ऑफ कम्युनिटी क्रिएट कर दी जाएगी, तो ये जो वैरायटी ऑफ बैकग्राउंड से जो डिफरेंसेस हैं, उनको खत्म किया जा सकता था। तो उस वजह से ये जो सेंस ऑफ कम्युनिटी थी, वो बिल्ड करने की कोशिश की गई। तो यहाँ पे अलग अलग पिक्चर्स दी हुई हैं मॉस्क की, तो आप पढ़ सकते हो। ये है मौत की मस्जिद, बिल्ट इन द रेन ऑफ सिकंदर लोधी बाय हिज मिनिस्टर। तो ये वाली जो पिक्चर है, ये मौत की मस्जिद है, इसको सिकंदर लोधी के टाइम पे बनवाया गया था उनके मिनिस्टर के द्वारा। और ये वाली जो पिक्चर है, ये है मॉस्क ऑफ जमाली कमाली, बिल्ट इन लेट 1520s, तो उस टाइम पे बनाई गई। तो आप इन पिक्चर्स को देख सकते हो, और अगर आप घूमने भी गए हो या घूमने जाओगे भी, तो इन सब चीज़ों को जरूर याद रखना कि मैंने ये पढ़ा था, राइट। तो इस सेक्शन में हमने देखा कि किस तरह जो दिल्ली सुल्तान्स थे, उन्होंने अपना जो एरिया है, अपने जो इंटरनल फ्रंटियर्स थे, उनको भी हिंटरलैंड्स एंड गैरिसन टाउन्स को कंबाइन करने की कोशिश की, कॉन्सोलिडेट करने की कोशिश की, एग्रीकल्चरल जो एरिया था उसको बढ़ाने की कोशिश की। तो एक तरह से इन लोगों ने हिंटरलैंड को अपने कंट्रोल में बेसिकली करने की कोशिश की, और उसके बाद उन लोगों ने जो एक्सटर्नल जो फ्रंटियर्स थे, जो दूसरे साउदर्न इंडिया था, उस पर भी कंट्रोल करने की कोशिश की, और अपना जो एम्पायर था उसको बढ़ाया। अ क्लोजर लुक, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कॉन्सोलिडेशन अंडर द खलजीज एंड तुगलक्स। तो इस सेक्शन में हम ये देखेंगे कि किस तरह खलजीज एंड तुगलक्स के टाइम पे उनके साम्राज्य में एडमिनिस्ट्रेशन होता था, मतलब किस तरह प्रशासन चलता था, और किस तरह कॉन्सोलिडेशन होता था। कॉन्सोलिडेशन मतलब कि किस तरह इतने बड़े एरिया को, हमने देखा कि किस तरह दिल्ली सल्तनत जो थे, उन्होंने इतने वास्ट एरिया पे कब्जा कर चुका था, कंट्रोल कर चुका था। अब इतने वास्ट एरिया को किस तरह एक बनाए रखना, उसको मैनेज करना, कंट्रोल करना, बड़ा मुश्किल काम था। तो वो खलजीज एंड तुगलक्स ने कैसे किया, वो हम इस सेक्शन में देखने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है कि इतने बड़े एरिया का, इतने बड़े किंगडम का कंसोलिडेशन जो है वो एक आसान काम नहीं था। इट वाज नॉट एन इजी टास्क, क्योंकि देखना पड़ता था कि भाई कोई रेबेलियन ना खड़ा हो जाए, कोई कम्युनिकेशन गैप ना आ जाए। जैसे हमने देखा था कितनी सारी दिक्कत आती थी कि वास्ट एरियाज में जब आप कंट्रोल कर रहे हो, तो कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, बहुत सारे कारणों से कम्युनिकेशन गैप आ सकता है, और रेबेलियन हो सकते हैं, वॉर हो सकता है, तो बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं।
आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो अपनी इंडिपेंडेंस क्लेम करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसीलिए जो दिल्ली सल्तनत थे वो क्या चाहते थे, वो रिलायबल गवर्नर्स चाहते थे। अब रिलायबल गवर्नर्स मतलब ऐसे गवर्नर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स जिन पे ये लोग विश्वास कर सकें, जो विश्वास पात्र हों, जिन पे ये लोग आंख बंद करके एक तरह से भरोसा कर सकें कि ठीक है ये हमारे खिलाफ नहीं जाएंगे और ये सारा काम अच्छे से संभालेंगे। तो ऐसे लोग चाहिए थे। तो इन लोगों की बात करें जो दिल्ली सुल्तान थे, स्पेशली इल्तुतमिश, तो इन लोगों ने क्या प्रेफर किया कि जो नॉर्मली जो एरिस्टोक्रेट्स और जो लैंडेड चीफ चिफ्टेंस होते हैं, मतलब कि जो बड़े बड़े अमीर लोग हो गए, जो जमींदार हो गए, नॉर्मली उनको ऑफिसेस दिए जाते थे। बट जो दिल्ली सुल्तान थे एंड स्पेशली इल्तुतमिश, इन्होंने क्या प्रेफर किया कि इन लोगों ने अपने जो स्लेव्स थे, जिन स्लेव्स को इन लोगों ने अपनी मिलिट्री सर्विसेज के लिए परचेज किया था, खरीदा था, तो क्या किया कि इन लोगों को, जो स्लेव्स थे, इन्हें इन लोगों ने प्रेफर किया कि उनको ऑफिसेस दिए जाएं। जमींदार और एरिस्टोक्रेट इन सब के बदले जो स्लेव्स थे, जो उनके बंधुआ जो आदमी थे एक तरीके से, तो उनको इन लोगों ने डिसाइड किया कि वो ऑफिसेस उन्हें देंगे। तो इन स्लेव्स को पर्शियन भाषा में बंदगा कहा जाता है, और इन बंदगाओं को इन लोगों ने अपनी मिलिट्री सर्विसेज के लिए खरीदा था और ये इनके स्पेशल स्लेव्स हैं। तो इन लोगों ने क्या सोचा कि भाई किसी जमींदार और इन सब से, इन सबको ऑफिस देने से अच्छा है कि हम कुछ ऐसे लोगों को दें कि जो टोटली हम पे डिपेंड करते हों, जो हमारे विश्वास पात्र हों, कि जो स्लेव्स हैं उन्हें तो हमने ही खरीदा है, हम उनके मालिक हैं, जैसा हम कहेंगे वैसे ही वो काम करेंगे। तो कुछ इस तरीके से सोचा उन्होंने, और स्लेव्स को ट्रेनिंग दिलाई अच्छी खासी की, बहुत डिटेल्ड जो है केयरफुली ट्रेनिंग दिलाई उनको, ताकि उन्हें जो बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ऑफिसेज हैं वो दिए जा सकें। नाउ सिंस दे वर टोटली डिपेंडेंट अपॉन देयर मास्टर्स, द सुल्तान कुड ट्रस्ट एंड रिलाई अपॉन देम, क्योंकि पूरी तरीके से जो स्लेव्स थे वो अपने मास्टर्स पे ही डिपेंड थे, अपने सुल्तान पे ही डिपेंड थे। उनका ऐसा नहीं था कि जो सुल्तान थे उनको ऐसा डर नहीं रहता था कि किसी दिन ये अपनी डिपेंडेंस क्लेम करने के लिए आ जाएंगे या मेरे खिलाफ बगावत छेड़ देंगे, तो इनको इस चीज की टेंशन नहीं थी। तो इसलिए इन लोगों ने सोचा कि जो सुल्तान थे इनको ज्यादा ट्रस्ट कर सकते थे। स्लेव्स रैदर देन सन्स, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी गई है कि किस तरह स्लेव्स को देखा जाता था। द सुल्तान वर एडवाइज कि मतलब जो लर्न मैन होते थे, जो कोटेशन वगैरह होते थे, वो क्या कहते थे, अ स्लेव हुम वन हैज ब्रॉट अप एंड प्रमोटेड मस्ट लुक्ड आफ्टर फॉर इट नीड्स अ होल टाइम एंड गुड लक टू फाइंड अ वर्दी एंड एक्सपीरियंस स्लेव। तो एक स्लेव जिसको कि अच्छे से, मतलब उसके मास्टर ने उसको बड़े ही अच्छे से मेहनत लगा के, पैसा लगा के उसको बड़ा किया है, उस पर पैसा खर्च किया है और पूरी जिंदगी उसकी देखभाल की है, मतलब कि अगर स्लेव कोई लाता है तो उसके खाने पीने के लिए भी तो उनका खाना पीना रहना भी तो फिर उसका मास्टर ही देखता है ना उसके लिए, भले ही उससे काम निकलवा रहा है बट काम भी तो तभी निकलवा पाएगा ना कि जब वो इंसान करने लायक होगा। तो इसलिए उसका भी ध्यान रखना पड़ता था। तो गुड लक टू फाइंड अ वर्दी एंड एक्सपीरियंस स्लेव, क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि अगर किसी को एक विश्वास पात्र, एक एक्सपीरियंस ऐसा स्लेव मिल रहा है जिसके पास एक्सपीरियंस है, जो बहुत भरोसेमंद है, तो ऐसा स्लेव पाना एक बहुत ही किस्मत की बात होगी, गुड लक की बात होगी। वाइस मैन हैव सेड दैट अ वर्दी एंड एक्सपीरियंस स्लेव इज बेटर देन अ सन। तो जो मेहनत लोग हैं, जो अलर्न मैन है, वो क्या कहते हैं कि एक बेटे से बेटर है कि एक एक्सपीरियंस्ड और वर्दी, मतलब कि जो किसी लायक हो, ऐसा स्लेव मिल जाए, ऐसा बंधुआ मजदूर मिल जाए। तो ऐसा कहा जा रहा है कि अ स्लेव इज बेटर देन अ सन इफ इट इज, इफ ही इज वर्दी एंड एक्सपीरियंस्ड। अब आगे भी जो खलजीज एंड तुगलक्स थे, उन्होंने जो बंदगा थे उन्हीं को यूज किया गवर्नर्स की तरह अपॉइंट करने के लिए। और इसके अलावा जो हम्बल बर्थ के जो लोग थे, मतलब कि इसमें लिखा हुआ है एंड ऑल्सो रेस्ड पीपल ऑफ हम्बल बर्थ हु वर ऑफन देयर क्लाइंट्स। इसका मतलब क्या है कि क्लाइंट्स मतलब ऐसे लोग जो कि उन पे डिपेंडेंट हैं, जो कि जो सुल्तान वगैरह हैं जो कि उनकी प्रोटेक्शन करते हैं एक तरीके से, जो क्लाइंट्स ऐसे लोग हैं जो कि सुल्तान के अंडर रहते हैं, राइट। तो ऐसे लोगों, ये लोग जो सुल्तान है, ये बेसिकली क्या चाहते हैं, जो स्लेव्स थे उनको भी क्यों अपॉइंट किया एज गवर्नर, क्योंकि जो स्लेव्स थे वो टोटली इन पे डिपेंडेंट थे। तो स्लेव की ही तरह जो क्लाइंट्स थे वो भी इन पे ही डिपेंडेंट होते हैं, सुल्तान पे भी डिपेंडेंट होते हैं। तो जो उनके क्लाइंट्स के फैमिली से लोग निकल कर आ रहे हैं, तो उनको भी इन लोगों ने गवर्नर्स एंड जनरल्स वाली पोजीशन दे दी, राइट। तो बंदगांव को, और जो क्लाइंट्स वाले जो लोग थे जो क्लाइंट्स की फैमिली से निकल कर आ रहे थे, तो उनको भी जनरल्स एंड गवर्नर्स की पोजीशन दे दी। बट ये जो सिस्टम था बंदगांव को देने का और जो जनरल्स एंड जो
क्लाइंट्स के फैमिली से जिन पोजीशंस को देने का जो सिस्टम था, इस सिस्टम ने थोड़ी सी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी ला दी है पूरे किंगडम में। अब जो ये स्लेव्स रहते थे, स्लेव्स एंड क्लाइंट्स रहते थे, ये लोग अपने मास्टर्स से तो लॉयल रहते थे, अपने जो उनके मास्टर्स थे, जो उनके पैट्रॉन्स थे, उनसे तो वो पूरे तरीके से वफादारी निभाते थे, बट नॉट टू देयर हेयर्स। मतलब कि जो उनके मास्टर्स के जो वंशज होते हैं, एक तरीके से जो उनके बच्चे हैं, जो उनके हेयर्स हैं, उनसे वो इतना ज्यादा लॉयल नहीं रहते थे, राइट? कि मान लो एक सुल्तान है, इस सुल्तान को तो एकदम अच्छे से ट्रीट करेगा, उसका भरोसामंद बने रहेगा, उसको लॉयल्टी से रहेगा, बट इस सुल्तान का जो बेटा है, इसका जो सन है, अगर वो गद्दी पे बैठेगा तो फिर ये इंसान जो है वो इससे लॉयल नहीं रहेगा, राइट? उसके सन से लॉयल नहीं रहेगा। तो कुछ इस तरह की जो सिचुएशन है वो देखने मिल रही थी। अब ऐसा तो था नहीं कि हमेशा पूरे टाइम, पूरी जिंदगी भर एक ही इंसान जो है वो गद्दी पे बैठा रहेगा। जो मास्टर्स हैं उनकी भी उम्र होगी, वो भी गद्दी से हटेंगे, और उनके जो हेयर्स हैं, जो उनके बेटे हैं, वो गद्दी पे बैठेंगे। एयर्स तो चेंज हो रहे हैं, अब उनके साथ क्या होता था कि जो उनके एयर्स हैं, जो उनके वंशज हैं, उनके भी अपने अपने सर्वेंट्स रहते थे, उनके खुद के सर्वेंट्स रहते थे। इनके न्यू सर्वेंट्स हैं तो ये भी अपने वफादार को, ये भी अपने जो लॉयल लोग हैं उनको गद्दी पे बिठाना चाहेंगे, मतलब कि उनको भी गवर्नर्स एंड जनरल वाली पोजिशन देना चाहेंगे, और पुराने वाले को तो इन्होंने हटाया नहीं है फिलहाल। तो मतलब इस तरीके से कुछ कॉन्फ्लिक्ट चलता था कि जो नए वाले हैं वो भी अपने सर्वेंट्स लाते थे, वो अपने जो सर्वेंट्स थे, जो स्लेव्स थे, उनको बैठाना चाहते थे जनरल एंड गवर्नर्स की पोजीशन पे, और जो पुराने लोग थे वो भी फिर एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट करते थे, क्रिटिसाइज करते थे कि हमें ये जगह मिल रखी है, हमें ये पोजीशन मिल रखी है। तो इस तरीके से न्यू एंड ओल्ड जो नोबिलिटी थी उनके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता था, एक तरह से झगड़ा हो जाता था। अब बहुत सारे जो लोग थे वो लोग इतने ज्यादा खुश नहीं थे दिल्ली सुल्तान के इस सिस्टम से, जो ये लोग स्लेव्स को बड़ी बड़ी पोजीशन दे रहे हैं, क्लाइंट्स को बड़ी बड़ी पोजीशन दे रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों को ये पसंद नहीं था। तो बहुत सारे जो ऑथर्स थे पर्शियन तवारीख के, वो क्रिटिसाइज करते थे दिल्ली सुल्तान को फॉर अपॉइंटिंग लो एंड बेस बॉर्न पीपल टू हाई ऑफिसेस। वो लोग निंदा करते थे दिल्ली सुल्तान की कि वो लोग जो नीचे, जो एक तरह से जो निचले तबके के लोग हैं उनको वो इतनी बड़ी बड़ी पोजीशन दे दे रहे हैं, तो वो लोग इनको क्रिटिसाइज करते थे दिल्ली सुल्तान को। ऑफिशियल्स ऑफ सुल्तान मोहम्मद तुगलक, तो इसमें कुछ लोगों का जिक्र किया हुआ है कि किन किन को जो सुल्तान मोहम्मद तुगलक थे उन्होंने अपने जो पोजीशंस थी वो दी। तो सुल्तान मोहम्मद तुगलक अपॉइंटेड अजीज कुमार, जो कि एक वाइन डिस्टिलर थे, फिरोज हजाम एक बार्बर थे, और मानका तब्बक एक कुक थे, और इसके अलावा दो गार्डनर्स जो कि लाधा एंड पेरा थे, इनको इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट दे दी। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि किस तरह के लोगों को, जो वाइन डिस्ट्रीलर हो गए, जो उनके बार-बार को गार्डनर, तो इस तरह के लोगों को जो उनके लॉयल थे, वैसे भले उनके लिए, भले ये इस तरह के काम कर रहे थे, बट जो सुल्तान था उनके लॉयल थे, तो उस वजह से इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट जो थी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट इन लोगों को दे दी। तो जो जियाद्दीन बरानी थे, जो कि mid-14, वो इस लायक नहीं रहे कि वो रूल कर सके, उनकी जो कैपेसिटी है वो कम हो गई, क्योंकि वो इस तरह के लोगों को अपना जो गद्दी है, जो इम्पोर्टेंट पोस्ट है वो दे रहे थे। सो वी वर स्टडिंग द टॉपिक अ क्लोजर लुक एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर द खलजीज एंड तुगलक। सो दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ दैट टॉपिक। आई हैव डिवाइडेड दैट होल टॉपिक इन टू 3 वीडियोज, सो दिस इज द सेकेंड पार्ट। और इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कि किस तरह खलजीज एंड तुगलक के टाइम पे इक्ताज जो है वो बांटे जाते थे, किस तरह इक्तदार्स अपॉइंट होते थे, एंड क्या क्या ड्यूटीज रहती थी, क्या क्या राइट्स मिलते थे इक्तदार्स को, और किस तरह उन्हें कंट्रोल किया जाता था, मैनेज किया जाता था। तो ये सभी चीजें हम इस टॉपिक में, इस सेक्शन में देखेंगे। तो पुराने सुल्तानों की ही तरह खलजियन जो तुगलक सुल्तान थे, उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने मिलिट्री कमांडर्स को अलग अलग टेरिटरीज, अलग अलग सूबों के का गवर्नर बना दिया। ठीक है, और ये जो लैंड्स इनको दी गई थी, अलग जो मिलिट्री कमांडर्स थे उन लैंड को क्या कहा जाता था, इक्ता कहा जाता था, और जिनको ये लैंड दी जाती थी, ये इक्ता दिए जाते थे, उन मिलिट्री कैंपेन्स जो हैं उनको चलाना होता था और मेंटेन करना होता था मिलिट्री को। मतलब कि जैसे कि हमने देखा था ना पिछले चैप्टर्स में, सामंतास का जो रोल रहता था कि उन लोगों को राजा के लिए मिलिट्री को एक तरह से मेंटेन करके रखना पड़ता था, तो वही काम यहाँ पे है इक्तादार या फिर मुक्ति का। तो उन्हें अपना जो भी उनको लैंड दी गई है, जो इक्ताज उनको मिले हैं, वहां पे
मिलिट्री कैंपेन्स चलाना और मिलिट्री को मेंटेन करके रखना ताकि जब भी सुल्तान को जरूरत हो तो वो लोग सप्लाई कर सके मिलिट्री की, मतलब सही जो सैनिक है उनको पहुंचा सके। और दूसरा काम क्या था, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना एक ताज में, ठीक है। अब जैसा कि हमने पहले देखा था कि कोई भी इंसान फ्री में तो काम करेगा नहीं, उन्हें सैलरी चाहिए ही चाहिए होगी उसके बदले में, राइट। तो जो इक्तादार थे, जो मुक्तीस थे, इनको भी सैलरी मिलती थी, बट इनको डायरेक्ट सैलरी नहीं मिलती थी। ऐसा नहीं था कि कुछ जो मोहरे हैं वो इनको दे दी, ऐसा नहीं होता था। इनकी सैलरी जो है वो अलग तरीके से इनको दी जाती थी। इन लोगों को एक राइट दिया जाता था कि वो लोग अपने इक्ता से रेवेन्यूज कलेक्ट कर सकते हैं, तो वही इनकी सैलरी हो गई, ठीक है। तो इनको डायरेक्ट सैलरी नहीं मिलती थी, बट इनको एक राइट मिल गया। कैसा राइट? कि ये लोग अपने इक्ता से रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं, जो भी टैक्स वगैरह लगाए हैं वो लोगों से कलेक्ट कर सकते हैं। अब जो भी रेवेन्यूज कलेक्ट हुए हैं उन रेवेन्यूज से ही वो अपने सोल्जर, अब क्योंकि कोई भी सुल्तान वगैरह है उसको ये डर लगा रहता है कि जिसको मैंने इतनी बड़ी बड़ी पोजीशंस दी हैं कहीं वो मेरे खिलाफ बगावत ना कर दे, कहीं वो अपनी इंडिपेंडेंस जो है वो क्लेम ना करने लग जाए। तो उसके लिए इन लोगों ने क्या किया कि इन मुक्तीस पे प्रॉपर कंट्रोल बनाने के लिए क्या किया कि इनके पोजीशंस को इनहेरिटेबल नहीं बनाया गया, मतलब कि इनकी पोजीशंस ऐसी नहीं थी कि एक मुक्ति जो है उसका बेटा भी जाके मुक्ति बनेगा, ऐसा नहीं था। इनके पोजीशंस जो थी वो इनहेरिटेबल नहीं थी, और इनको कोई भी जो इक्ता है, कोई भी जो लैंड है, उसको थोड़े टाइम के लिए ही दिया जाता था, मतलब कि एक तरह से इनकी पोस्टिंग कर दी जाती थी कि भाई कुछ टाइम तुम ये इक्ता संभालो, उसके बाद तुम दूसरा संभालो। तो एक जगह से दूसरी जगह इनकी पोस्टिंग कर दी जाती थी ताकि एक पर्टिकुलर एरिया पे इनकी पकड़ जो है वो इतनी अच्छी ना बने। और इन सभी रूल्स को बहुत ज्यादा सख्ती से फॉलो किया जाता था अलाउद्दीन खलजी एंड मोहम्मद तुगलक के टाइम पे, ठीक है। कोई भी नरमी नहीं बरती जाती थी इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर। और एक और चीज रहती थी कि भाई इनको राइट मिल गया है कि ये लोग रेवेन्यू कलेक्ट कर सके, ठीक है। अब रेवेन्यू तो कितना भी मिल सकता है, और हो सकता है कि रेवेन्यू के नाम पे ये लोग गलत तरीके से लोगों से पैसे ले लें, पेजेंट्स वगैरह से गलत तरीके से एक्स्ट्रा पैसे ले लें। तो इन सब पे चेक करने के लिए अलग से अकाउंटेंट्स भेजे जाते थे, अकाउंटेंट्स अपॉइंट किए जाते थे जो कि सुल्तान है, तो इन सब चीजों का चेक करने के लिए अकाउंटेंट्स को भेजा जाता था। अब जैसे जैसे दिल्ली सुल्तान्स ने जो हिंटरलैंड वाला एरिया है उसको अपने अंडर लिया, अपने कंट्रोल में लिया, तो उन लोगों ने क्या किया कि जो उस टाइम के जो बड़े बड़े जमींदार थे, जो सामंता थे, एरिस्टोक्रेट्स थे, तो उन लोगों को एक तरह से फोर्स किया कि वो इनकी अथॉरिटी को मान ले, वो ये मान ले कि जो दिल्ली सुल्तान्स हैं वो सबसे ज्यादा मतलब सुपीरियर हैं, वो इन पे रूल करते हैं, राइट। एंड अलाउद्दीन खलजी के टाइम पे जो भी असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस होता था, जो ये पूरा सिस्टम था वो स्टेट के अंडर आ गया था, मतलब कि जो राजा है उसके अंडर जो भी काम है वो किया जाएगा, मतलब कि जो असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स वाला काम है वो इन लोगों पे नहीं छोड़ा गया था, वो लोकल चीफ्स जो जमींदार हैं उन पे नहीं छोड़ा गया, जबकि उनको अपने अंडर ले लिया कि मतलब स्टेट ब्रॉड द असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, राइट। इसका मतलब क्या है कि जो राजा थे एक तरह से उन्होंने अपने अंडर इन चीजों को ले लिया था कि ये मैं अपनी देखरेख में ये काम करवाऊंगा, मैं किसी और को ये काम करने के लिए नहीं दे रहा, ठीक है। सो जो राइट थे लोकल चीफटेंस के टू लेवी टैक्स वो कैंसिल कर दिए गए थे। अब किसी भी चीफटेंस को ये अधिकार नहीं था कि वो टैक्सेस लेवी कर सके, वो टैक्सेस लगा सके और कलेक्ट कर सके। इसके बदले उनपे भी टैक्सेस लगा दिए, मतलब कि जो चीफटेंस थे, जो बड़े बड़े जमींदार थे, उनको भी उल्टा जो टैक्सेस थे वो पे करने पड़ रहे थे। जो सुल्तान के एडमिनिस्ट्रेटर्स होते थे वो एकदम अच्छे से मेजर करते थे, वो एकदम पूरा लेखा जोखा रखते थे कि कितनी लैंड किसके पास है, उसका पूरा अच्छे से असेसमेंट करते थे और उसका अकाउंट रखते थे। अब कुछ जो ओल्ड चीफटेंस थे एंड लैंडलॉर्ड थे, उन्होंने जो सुल्तान थे उनके लिए काम किया एज रेवेन्यू कलेक्टर्स, ठीक है। मतलब कि जो रेवेन्यू कलेक्शन का काम है वो किया कुछ लोगों ने, कुछ जो चीफटेंस थे, जो पुराने चीफटेंस थे, तो उन लोगों को जो सुल्तान है उसने काम दे दिया रेवेन्यू कलेक्शन का। अब उस टाइम पे तीन तरह के टैक्सेस थे। पहला जो था वो था कल्टीवेशन पे, जिसे कि खर्च कहा जाता था, और ये कितना था कि जो भी पेजेंट्स ने उगाया है उसका 50% उनको देना पड़ता था, 50% ऑफ द पेजेंट्स प्रोड्यूस, कि जो भी उसने उगाया उसका 50% तुम रेवेन्यू की तरह दे दो, टैक्स की तरह दे दो। ऑन कैटल, जो भी आपने पशुपालन किए हुए हैं, जो भी आपने गाय भैंस रखी हुई है उन पे टैक्सेस था, एंड ऑन हाउसेस घरों पे भी टैक्स था। तो ये तीन तरह के टैक्सेस थे। अब जो दिल्ली सल्तनत थे उन्होंने बहुत बड़े एरिया पे कंट्रोल तो पा लिया था, बट
आपको फिर भी ये ध्यान देना है कि भले ही इन लोगों ने कुछ टाइम के लिए कंट्रोल पा लिया, बट लार्ज पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट रिमेन आउटसाइड देयर कंट्रोल। ठीक है, तो जो दिल्ली सुल्तान थे, ज्यादातर जो पार्ट था उनके एम्पायर का, वो उनके कंट्रोल के बाहर ही रहता था, क्योंकि इतना बड़ा एरिया है, आपने कंट्रोल तो कर लिया, एक बार तो किसी पे जीत हासिल कर ली, बट उस कंट्रोल को मेंटेन करना वो थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो कि जैसे हमने देखा कि दिल्ली से बंगाल वाला एरिया जो है उस पर कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था, कि तरह तरह की दिक्कत आ रही थी, वही जैसे हमने पढ़ा कि रेबेलियन की दिक्कत, कम्युनिकेशन गैप, वेदर खराब हो गया, उसकी वजह से कम्युनिकेशन गैप हो गया, वॉर हो रहे हैं, तो उन सब उस तरह की दिक्कतें आ रही थी। तो इसलिए जो डिस्टेंट लैंड थी वो इतने अच्छे से कंट्रोल में नहीं आ पा रही थी, तो इसलिए ज्यादातर जो एरिया था वो दिल्ली सुल्तान के कंट्रोल के बाहर ही रहा। ठीक है, और बात करें कि जब दिल्ली सुल्तान ने साउदर्न इंडिया पे कंट्रोल पाया, तो उसके बाद ही धीरे धीरे जो पूरा रीजन था वो इंडिपेंडेंट सा होने लग गया। ठीक है, एक बार इन लोगों ने कंट्रोल तो कर लिया, बट वो कंट्रोल इतना मतलब एक तरह से मजबूत नहीं था। धीरे धीरे लोग जो है वो अपनी इंडिपेंडेंस क्लेम करने लग गए, तो इंडिपेंडेंट होने लग गए। यहाँ तक कि जो गंगेटिक प्लेन थे, जो ये दिल्ली के आसपास वाला एरिया है, अब इनकी पकड़ इतनी कमजोर हो गई थी कि जो गंगेटिक प्लेन वाला एरिया है वहां पे वे सुल्तान की जो फोर्सेस थी वो पेनिट्रेट नहीं कर पा रही थी, वो एरियाज में घुस के जो वॉर वगैरह है कब्जा कर नहीं पा रही थी, राइट। और धीरे धीरे जो लोकल चीफ्टेंस थे उन्होंने अपना रूल जो है अपने पर्टिकुलर रीजन पे स्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दिया, और जो रूलर्स थे जैसे कि अलाउद्दीन खलजी एंड मोहम्मद तुगलक, वो लोग कभी कभी अपना रूल फोर्स कर देते थे, एक तरह से अपने ये दिखाने की कोशिश करते थे कि ये एरिया हमारे अंडर है, कंट्रोल करने की कोशिश करते थे, बट वो ज्यादा देर के लिए हो नहीं पाता था, ठीक है। अल्टीमेटली जो लोकल चीफ्टेंस वगैरह हैं वही अपना रूल एस्टेब्लिश कर लेते थे। चीफ्टेंस एंड देयर फोर्टिफिकेशन, तो इब्न बतूता जो कि एक 14th सेंचुरी ट्रेवलर थे जो कि मोरक्को से आए थे, तो वो बताते हैं कि इंडिया में जो चीफ्टेंस थे वो कभी कभी अपने आप को जो माउंटेनियस एरिया है, जो ऊबड़ खाबड़ रॉकी एरिया है, ठीक है, तो ऐसे इलाकों में वो अपने आप को फोर्टिफाई कर लेते थे, चारों तरफ से एक तरह से लंबी लंबी दीवारें बनवा लेते थे, किले बनवा लेते थे, और कभी कभी जैसे वो अपने आप को बैम्बू ग्रूव्स में घेर लेते थे, फोर्टिफाई करवा लेते थे। और इंडिया में जो बैम्बू है वो हॉलो नहीं होता, ऐसा इब्न बतूता बताते हैं कि वो बीच से पोला नहीं है और ये बहुत बड़ा है, और इसके जो अलग अलग पार्ट हैं वो कुछ इस तरीके से गुथे हुए हैं कि जो फायर है, जो आग है, वो भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ती, मतलब कि इन बांसों पर आग भी नहीं लगती इतनी जल्दी। और मतलब सीधी सीधी सी बात है कि ये जो बांस थे, इंडिया के जो बांस हैं वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। तो जो चीफ्टेंस थे वो दे लिव इन दीज फॉरेस्ट विच सर्व देम एज रैम्पार्ट्स, वो एक तरह से उनके किले के प्राचीर की तरह काम करते हैं, मतलब एक बहुत ही सेफ एरिया इनको प्रोवाइड करते हैं इन चीफ्टन्स को, और इन एरियाज के अंडर ही इनके जो कैटल्स हैं वो रहते हैं, ये अपनी क्रॉप्स वगैरह उगाते हैं, और इनका इनको पानी भी यहीं पे मिल जाता है। कैसा पानी मिलता है कि जो रेन वाटर से इकट्ठा हो जाता है ना, रेन वाटर, तो वही पानी भी इनको यहाँ पे मिलता है। और इसका मतलब कि ये पूरी तरीके से एकदम इतने फोर्टिफिकेशन से घिरे हुए हैं, इतने मजबूत तो बैम्बू से घिरे हुए हैं, तो लोगों ने अपना पूरा सेफ्टी का इंतजाम किया हुआ है, तो इनको आसानी से बिना मजबूत सेनाओं के हराया नहीं जा सकता, राइट। ऐसी सेनाएं चाहिए जाकि वो इन जंगलों में घुसकर स्पेशली प्रिपेयर्ड इंस्ट्रूमेंट से इन बंबुओं को तोड़ सकें, काट सकें, क्योंकि बंबू बहुत ज्यादा मजबूत हैं, तो वो तो इनकी सेफ्टी कर रहे हैं, तो जब तक बंबुओं को काटा नहीं जाएगा, बंबू की दीवार को तोड़ा नहीं जाएगा, तब तक वो लोग इन चीफ्टेंस तक कैसे पहुंचेंगे, उन पर कब्जा कैसे पाएंगे। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही बलशाली सेनाएं चाहिए। तो दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ आवर टॉपिक, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर द खलजीज एंड तुगलक्स। तो इस सेक्शन में हम देखेंगे कि किस तरह अलाउद्दीन खलजी एंड मोहम्मद तुगलक ने जो मंगोल आर्मी थी उसका सामना किया, किस तरह उन्होंने अपने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लाए, और हम देखेंगे कि कौन किसकी जो स्ट्रेटेजीज थी वो ज्यादा सक्सेसफुल रही, किसकी फेलियर रही, तो इन सब चीजों में एक हम कंपैरिजन करेंगे। तो जंगीज खान के नेतृत्व में 1219 में जो मंगोल्स थे उन्होंने ट्रांसऑक्सियाना वाला जो एरिया है, जो कि प्रेजेंट डे उज्बेकिस्तान वाला एरिया है, वहां पे उन्होंने हमला कर दिया, और उसके कुछ टाइम बाद ही उन्होंने दिल्ली सल्तनत पर भी हमला कर दिया। तो
जो अलाउद्दीन खलजी एंड मोहम्मद तुगलक के शुरुआती शासनकाल में, जो शुरुआती टाइम था उनके शासनकाल का, उसमें मंगोलों का जो अटैक था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब इनके अटैक से बचने के लिए दोनों ही सुल्तानों को एक बहुत बड़ी आर्मी का गठन करना पड़ा। ठीक है, अब इतनी बड़ी आर्मी का गठन करना बहुत ही आसान काम नहीं है, क्योंकि आर्मी को मैनेज करना, उनकी सैलरी देना, जो भी सैनिक है उनकी सैलरी देना, उनके खाने पीने का ध्यान रखना, उनके वेपन्स का ध्यान रखना, तो इन सब चीजों के लिए काफी ज्यादा रिसोर्सेस की जरूरत होती है। तो ये बहुत ही आसान काम नहीं था। अब अगले सेक्शन में हम देखेंगे किस तरह जो दोनों ही सुल्तान थे, जो अलाउद्दीन खलजी थे और जो मोहम्मद तुगलक थे, उन्होंने इस सिचुएशन का सामना किया। तो 1299 एंड 1300 में, और 1302 से लेकर 1303 वाला ये जो पीरियड है, इसमें दिल्ली पर 2 बार अटैक किया गया, और एक डिफेंसिव मेजर की तरह अपनी सेफ्टी, एक तरह से सेफ्टी स्टेप लिया। अलाउद्दीन खलजी ने एक बहुत बड़ी स्टैंडिंग आर्मी खड़ी कर दी। राइट, अब मोहम्मद तुगलक की बात करें तो इनके शुरुआती शासनकाल में क्या हुआ कि जो मंगोल्स थे उन्होंने अटैक किया और मंगोल की आर्मी को इन्होंने हरा दिया। जो मोहम्मद तुगलक थे वो अपने स्ट्रेंथ को लेकर, अपनी आर्मी के स्ट्रेंथ को लेकर और अपने रिसोर्सेस को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे, और वो इस तरह कॉन्फिडेंट थे कि अपने रिसोर्सेस को लेकर कि वो उन्होंने जो ट्रांसॉक्सियाना वाला एरिया है उस पे एक अटैक प्लान कर लिया। उन्होंने सोचा कि मेरे पास इतने रिसोर्सेस हैं कि मैं आसानी से ट्रांसॉक्सियाना पर एक अटैक प्लान कर सकता हूँ, और इसीलिए उन्होंने उन्होंने भी एक बहुत बड़ी एक स्टैंडिंग आर्मी जो है वो बना ली, खड़ी कर दी। अब आगे देखें तो अलाउद्दीन ने एक नया गैरिसन टाउन है जिसका नाम था सिरी, उसको बना दिया, कंस्ट्रक्ट कर दिया अपने सोल्जर्स के लिए, क्योंकि अब इतनी बड़ी आर्मी होगी तो उसके रहने के लिए, उसके भी है ना खाने पीने के लिए, तो पूरा सिस्टम होना चाहिए। तो जो गैरिसन टाउन बनाया वो उनकी आर्मी के लिए उन्होंने कंस्ट्रक्ट करवा दिया। अब मोहम्मद तुगलक ने क्या किया कि एक नया गैरिसन टाउन बनवाने की जगह उन्होंने क्या किया कि जो दिल्ली की सिटीज में सबसे पुरानी सिटी थी, दिल्ली कुमुना जो थी, उन्होंने उस सिटी को वहां के रेजिडेंट्स से खाली करवा दिया। उन्होंने जो भी वहां पे लोग रह रहे थे उनको बाहर निकलवा दिया और अपने सोल्जर्स को वहां पे गैरिसन कर दिया, मतलब कि जो एक गैरिसन टाउन बना दिया दिल्ली कोहुना को, और जो रेजिडेंट थे ओल्ड सिटी के उनको नई जो कैपिटल थी दौलताबाद, उसको वहां पे भेज दिया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि सोल्जर्स हैं वो खाली पेट तो लड़ नहीं सकते, उनका पेट भरने के लिए भी चाहिए, उनके लिए जो फूड है वो भी चाहिए। तो सोल्जर्स को खाना जो है किससे खिलाया जाता था, जो गंगा एंड यमुना वाला एरिया है वहां पे जो भी पेजेंट्स वगैरह होते थे, वहां पे जो भी प्रोड्यूस होता था उससे टैक्स कलेक्ट करके, रेवेन्यू कलेक्ट करके इन लोगों का पेट भरा जाता था। और जो टैक्स था वो कितने परसेंट पे फिक्स हुआ था, वो था 50% ऑफ द पेजेंट्स यील्ड, कि जो भी उसने कमाया है, जो भी पेजेंट ने उगाया है, उसका 50% उन्हें टैक्स के फॉर्म में देना पड़ेगा। और इस तरीके से जो सोल्जर्स थे अलाउद्दीन खलजी के, उनका पेट भरा गया। अब जो मोहम्मद तुगलक थे उन्होंने भी सेम एरिया से, मतलब गंगा एंड यमुना वाला जो एरिया है, जो भी वहां पे प्रोड्यूस हो रहा था उस पे टैक्स लगा दिया अपनी आर्मी को फीड करने के लिए। बट क्योंकि और भी ज्यादा एक्सपेंसेस थे तो उनको मीट करने के लिए उन्होंने एडिशनल टैक्सेस लगा दिए, मतलब कि पहले ही जो पेजेंट्स वगैरह थे उन्हें इतना सारा टैक्स देना पड़ रहा था और उसके ऊपर उन्होंने एडिशनल टैक्सेस लगा दिए, और जिसकी वजह से क्या हुआ कि फेमाइन भी आ गया साथ साथ। राइट, फेमाइन एक तरह से भुखमरी आ गई, तो एक और प्रॉब्लम खड़ी हो गई। अब सोल्जर्स को तनख्वाह भी देनी थी, तो उन्होंने तनख्वाह देने के लिए क्या किया कि पहले जैसे इक्ताज वगैरह दे दिए जाते थे तो वो देना बंद कर दिया। उन्होंने क्या कहा कि अब हम तुम्हें डायरेक्टली जो कैश है उसमें हम तुम्हें सैलरी देंगे, कोई इक्ता वगैरह का चक्कर नहीं है, अब डायरेक्ट अपना कैश में सैलरी लो। तो जो सोल्जर्स थे वो अपना सप्लाईज वगैरह जिस भी चीज की उन्हें जरूरत होती थी वो मर्चेंट से खरीद लेते थे। बट एक डर ये था कि बढ़ती डिमांड है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि डिमांड बढ़ती है तो प्राइस भी बढ़ने लगते हैं, तो उस तरीके से एक डर था कि डिमांड क्योंकि बढ़ रही है, क्योंकि जो मर्चेंट्स हैं वो अपना सामान वगैरह खरीदेंगे, तो उसके चक्कर में कहीं जो मर्चेंट्स हैं वो प्राइजेस ना बढ़ा दें। अब इस चीज को खत्म करने के लिए अलाउद्दीन ने क्या किया, उन्होंने जो भी गुड्स के प्राइसेस थे उनको कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया दिल्ली में। ठीक है, प्राइसेस को पूरा अच्छे तरीके से सर्वे किया जाता था और ये देखा जाता था कि कोई मर्चेंट जो है वो ज्यादा पैसा तो नहीं ले रहा लोगों से, और अगर ऐसा करता मिलता था तो उसको पनिशमेंट मिलती थी। अब मोहम्मद तुगलक ने भी यही किया, उन्होंने भी अपने जो सोल्जर्स थे उनको कैश में ही तनख्वाह दी। बट इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग प्राइस, की जो अलाउद्दीन खलजी थे उन्होंने तो प्राइसेस को कंट्रोल कर लिया, कि एक तरह से फिक्स कर लिए प्राइसेस,
उन्होंने तो प्राइसेस को कंट्रोल किया, बट जो मोहम्मद तुगलक थे उन्होंने प्राइसेस को कंट्रोल नहीं किया और उसके बजाय एक टोकन करेंसी यूज की, जो कि हमारे आज के पेपर मनी की तरह है कुछ कुछ। तो ये टोकन करेंसी कैसी थी कि इसको जो चीप मेटल्स थे उनसे बनाया गया था, मतलब गोल्ड एंड सिल्वर के जो कॉइन्स थे वो नहीं थे ये, इनको एक चीप मेटल से बनाया गया था। और पीपल जो थे 14th सेंचुरी में, उन्हें इस जो टोकन मनी था, जो टोकन करेंसी थी, उस पर विश्वास नहीं था। और वो बड़े ही स्मार्ट थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने जो भी गोल्ड एंड सिल्वर वाले कॉइन है वो तो बचा लिए, और अपने जितने भी टैक्सेस थे वो इन टोकन मनीज में, टोकन करेंसी में पे कर दिए। ठीक है, और ये जो चीप करेंसी थी, ये जो चीप मटेरियल से, मेटल से बनी हुई करेंसी थी, इसको काउंटरफीट भी बड़े आसानी से करा जा सकता था, मतलब कि इसकी कॉपी, जो नकली करेंसी थी, वो भी आसानी से बनाई जा सकती थी। तो यहाँ पे एक और प्रॉब्लम देखने मिली कि जो लोग हैं वो जो सोने चांदी वाले जो कॉइन है उन्हें तो बचा ले रहे थे, और इन नकली करेंसी में पैसे, अपने टैक्सेस भरे जा रहे थे, और इनको, लोगों को इस करेंसी पे भरोसा भी नहीं था, राइट। और क्योंकि टैक्स वगैरह पे करने हैं तो वो लोग काउंटरफीट भी कर रहे थे इनको, उसका नकली पैसे भी बना रहे थे। अलाउद्दीन का जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे, जिस भी तरह उन्होंने एक नया गैरिसन टाउन बनवा दिया, तो उससे जो लोग थे उनको भी प्रॉब्लम नहीं हुई। हमने देखा कि जो मोहम्मद तुगलक थे उन्होंने तो एक पुराना जो दलिए कूना वाला एरिया था उसको खाली करा दिया। अब खाली करके जो लोग हैं उनको कितनी ज्यादा प्रॉब्लम आई होगी कि उन्हें अपने बसे बसाए घर हैं दूसरी जगह पे जाना, कितनी प्रॉब्लम आई होगी। तो अलाउद्दीन खलजी ने ऐसा नहीं किया, अलाउद्दीन खलजी ने एक पूरा नया टाउन बनवा दिया, और इन्होंने कैश में सैलरी दी, और कैश में सैलरी देने के साथ साथ प्राइजेस को भी कंट्रोल किया। तो इनके जो मेजर्स थे वो, जो क्रॉनिकल्स हैं वो बहुत ज्यादा प्रेज करते हैं, और इनके क्वाइट सक्सेसफुल भी थे कि इन लोगों ने जो मंगोल्स का इन्वेजन था काफी अच्छे से सह लिया, उसका डटकर सामना किया सक्सेसफुली। तो जो क्रॉनिकलर्स हैं वो इनके मेथड्स की, इनके एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स की तारीफ करते हैं, राइट, कि उन्होंने चीप प्राइजेस रखे, इफिशियंट सप्लाईज एंड गुड्स, ताकि मार्केट में अच्छे से सप्लाई हो पाए गुड्स की, तो इन सब की बड़ी तारीफ की। अब मोहम्मद तुगलक की बात करें तो इनके एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर जो मेजर्स थे वो एक फेलियर थे, मतलब कि इन्होंने जो भी स्टेप्स लिए हमने देखा कि वो कदम कदम पे थोड़ी प्रॉब्लम ही खड़ी कर रहे थे, कि उन्होंने भी एक आर्मी खड़ी की बट उन्हें एक तरह से कॉन्फिडेंस हो गया था, और वो जो जो ट्रांसक्शन वाला एरिया है उस पर हमला करने का प्लान कर रहे थे। उन्होंने गैरिसन टाउन तो बनाया बट वहां से पुराने ही इलाके को गैरिसन टाउन बनवा दिया, तो लोगों को वहां से निकाल दिया। ठीक है, तो उन्होंने भी टैक्सेस लगाए, उन्होंने भी जो गंगा यमुना वाला जो एरिया था वहां से टैक्स कलेक्ट किया, रेवेन्यू कलेक्ट किया, बट उसके साथ एडिशनल टैक्सेस लगा दिए, तो उसकी वजह से फेमाइन आ गया। उन्होंने प्राइजेस कंट्रोल करने के बजाय एक टोकन करेंसी ले आई जिसपे लोगों को भरोसा नहीं था, तो काउंटरफीट देखने के लिए मिला करेंसी का। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम देखने मिली मोहम्मद तुगलक के एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर में। सो वी कैन से दैट हिज एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर वर अ फेलियर। अब उन्होंने एक कैंपेन चलाया था कश्मीर में, वो भी एक फेलियर था, वो भी एक डिजास्टर की तरह था। और उन्होंने फिर जो उन्होंने प्लान किया था ट्रांजोक्शियाना पे हमला करने का, वो भी उन्होंने बंद कर दिया था कि ठीक है अब नहीं करेंगे हमला। ठीक है, तो उन्होंने अपनी जो आर्मी है उसको भी डिस्बैंडेड कर दिया था, एक तरह से अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया था। और इस पूरे टाइम में उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे उन्होंने बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस खड़ी कर दी थी। उन्होंने जो दौलताबाद में लोगों को भेजा था तो उन लोगों को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, बहुत ज्यादा वो लोग परेशान थे इसको लेकर, और टैक्सेस बढ़ा दिए थे, एडिशनल टैक्सेस लगा दिए थे, उसकी वजह से फेमाइन आ गया था। तो इस सब के सिचुएशन से जो गंगा यमुना वाले बेल्ट है वहाँ, वो जो इलाका है वहाँ पे रेबिलियन हो गया था, लोगों ने विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया था, और फाइनली जो टोकन करेंसी है उसको भी बंद कर दिया गया क्योंकि इतनी सारी प्रॉब्लम देखने मिली। तो आप देख सकते हो कि एक सेम कंडीशन थी, जो मंगोल्स थे वो जो दिल्ली सल्तनत थे उन पे हमला कर रहे थे, बट दोनों ही रूलर्स ने एक सिचुएशन को अलग अलग तरीके से लिया, उनकी उन्होंने अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स अपनाए। तो आप देख सकते हो कि किसी भी सिचुएशन को टैकल करने के कितने सारे तरीके हो सकते हैं, और हमें अच्छे से टैकल करना है तो बहुत ही सोच समझ के कदम उठाने पड़ते हैं। ऐसे नहीं कि अंधाधुंध बस कुछ भी कर दिया, हर इंसान की प्रॉब्लम को सोचना पड़ता है कि अगर हम ये कर रहे हैं तो इससे किसी और को कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई और सिचुएशन, कोई और प्रॉब्लम ना खड़ी हो जाए। तो ये सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। अब हमने दोनों लिस्ट देखी, दोनों जो मोहम्मद तुगलक थे, जो अलाउद्दीन खलजी थे, तो इनका हमने एक कंपैरिजन किया कि इनके एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स कैसे थे, और हमने देखा कि हमें अलाउद्दीन खलजी के जो मेजर्स थे, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, वो हमें बेटर लगे। बट हम ये
चीज पर ध्यान नहीं दे पाए कि जो मोहम्मद तुगलक के जो फेलियर्स थे, बड़े ही फेलियर्स थे, बट इन्होंने एक ऐसा काम किया दिल्ली सल्तनत की हिस्ट्री में जो कि किसी और ने नहीं किया था। इन्होंने मंगोल टेरिटरी को अपने कब्जे में लेने के लिए, उस पर हमला करने के लिए प्लान किया था, ठीक है। ये अभी तक कोई इतना नहीं सोच पाया था, क्योंकि जो अलाउद्दीन खलजी थे वो एक डिफेंसिव मेजर कर रहे थे, वो अपने डिफेंसिव खेल रहे थे, ठीक है। वो अपने आप को एकदम सेफ्टी वाले साइड पे रखकर चल रहे थे, वो रिस्क लेना नहीं चाह रहे थे। बट जो मोहम्मद तुगलक थे वो रिस्क लेने को तैयार थे, वो प्लान कर रहे थे कि भाई मैं जो ट्रांजॉक्शियाना वाला एरिया है उस पर हमला करूंगा। भले ही उन्होंने बाद में उस प्लान को कॉल्ड ऑफ कर दिया, उसको बंद कर दिया, बट फिर भी उन्होंने एटलीस्ट सोचा तो था। तो जो अलाउद्दीन खलजी के जो मेजर्स थे वो थोड़े डिफेंसिव थे, बट जो मोहम्मद तुगलक के मेजर्स थे वो थोड़े एग्रेसिव थे, वो मिलिट्री ऑफेंसिव थे अगेंस्ट द मंगोल्स। तो वो थोड़ा एक तरह से गुस्से से काम ले रहे थे एकदम, जबकि जो अलाउद्दीन खलजी थे वो शांति से, मतलब डिफेंसिव टाइप में खेल रहे थे। तो इस पूरे सेक्शन में हमने एडमिनिस्ट्रेशन देखा, कैसे जो अलाउद्दीन खलजी एंड जो मोहम्मद तुगलक वाला टाइम था, उस टाइम किस तरह एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चलता था, किस तरह जो इक्ताज थे वो दिए जाते थे, इक्तदार बनते थे, उन पर कंट्रोल किया जाता था, अकाउंटेंट्स भेजे जाते थे कि वो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं क्या, उस पर सही रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं, ज्यादा तो नहीं कलेक्ट कर रहे, उन सब चीजों का ध्यान रखा जाता था। इनहेरिटेंस वाला जो सिस्टम है वो बंद कर दिया था, बहुत सारी चीजें थी जो स्टेट थी उसने अपने डायरेक्ट कंट्रोल में ले ली थी। हिंटरलैंड वाला एरिया है उस पर कंट्रोल किया, तो वहां के जो भी लैंडलॉर्ड्स वगैरह थे, जो भी जमींदार थे, उन पे उनको फोर्सली, ये एक तरह से फोर्स किया गया कि जो सुल्तान है वही सुपीरियर है, वही उनके सुल्तान है, और उनसे टैक्स लेवी करने का राइट भी ले लिया गया। फिर हमने देखा कि जो मंगोल्स वगैरह आए तो किस तरह दोनों ही रूलर्स ने, दोनों ही सुल्तान ने अपने अपने मेजर्स लिए, और हमने देखा कि जो अलाउद्दीन खलजी थे वो डिफेंसिव मेजर्स ले रहे थे, और उनके जो मेजर्स थे वो सक्सेसफुल भी रहे। बट मोहम्मद तुगलक जो है वो इतना डिफेंसिव नहीं खेल रहे थे, वो एक तरह से ऑफेंसिव हो रहे थे, वो हमले करने के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, प्लान कर रहे थे, बट इनके जो प्लान्स थे वो इतने ज्यादा सक्सेसफुल ओवरऑल नहीं रह पाए। द सल्तनत इन द 15th एंड 16th सेंचुरीज। सो अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो हम 13th एंड 14th सेंचुरी वाला पीरियड पढ़ रहे थे, और अब इस सेक्शन में देखेंगे कि 15th एंड 16th सेंचुरी में सल्तनत का क्या सीन था, किस तरह की उसकी एडमिनिस्ट्रेशन वो सब चल रहा था। तो तुगलक्स के बाद आई सईद एंड लोधी डायनेस्टी, ठीक है, और इन्होंने 1526 तक दिल्ली एंड आगरा वाले रीजन में रूल किया। बट जैसा कि हमने पिछले सेक्शंस में पढ़ा था कि जो दिल्ली सल्तनत थी उसने अपना रूल तो बढ़ा लिया था, कंट्रोल जो है वो बढ़ा लिया था, बहुत ज्यादा बड़े बड़े रीजन्स तक फैला लिया था, बट इनका जो कंट्रोल था वो इतना इफेक्टिव नहीं था। कि बहुत सारे जो रीजन्स थे वहां पे इंडिपेंडेंट रूलर्स ने अपना रूल स्टेब्लिश कर दिया था, राइट, कि सब एक तरह से इंडिपेंडेंट हुए जा रहे थे सारी रीजन्स। तो तब तक, जब अगर सईद एंड लोधी डायनेस्टी की बात करें, तो इनके वक्त तक रीजन्स जैसे कि जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान और पूरा का पूरा साउदर्न इंडिया, इनमें इंडिपेंडेंट रूलर्स आ चुके थे, उन्होंने अपनी अपनी स्टेट्स जो हैं, कैपिटल्स जो है वो स्टैब्लिश कर चुकी थी। और ये एक ऐसा पीरियड भी था जिस टाइम पे अलग अलग जो रूलिंग ग्रुप्स थे वो इमर्ज हो रहे थे, जैसे कि अफगान्स एंड राजपूत, राइट। तो बहुत सारी ऐसी इंडिपेंडेंट स्टेट्स थी जो कि इतनी बड़ी नहीं थी, जो कि स्मॉल थी साइज में, बट वो बहुत ज्यादा पावरफुल और उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था, ठीक है। तो शेर शाह सूर की बात करें जो कि 1540 से लेके 1545 तक थे, तो इन्होंने अपना करियर जो स्टार्ट किया था वो एक छोटी सी टेरिटरी को मैनेज करते हुए स्टार्ट किया था, कि बिहार में उन्होंने अपने अंकल के लिए एक स्मॉल टेरिटरी मैनेज की थी। और इवेंचुअली क्या हुआ, उन्होंने मुगल्स को चैलेंज किया, और चैलेंज ही नहीं किया, सिर्फ उन्हें हरा भी दिया। कौन से मुगल एम्परर को? हुमायूं को। तो उन्होंने सिर्फ चैलेंज ही नहीं किया बल्कि हरा भी दिया। तो शेर शाह ने अपना जो है वो रूल स्टैब्लिश कर दिया, दिल्ली पर कैप्चर किया, और उन्होंने खुद की जो डायनेस्टी है वो स्टैब्लिश कर दी। बट इनका जो रूल था वो ज्यादा लंबा नहीं था, वो सिर्फ 15 ईयर्स तक ही था। तो 1540 से लेकर इन्होंने कुछ साल तक अपने जो अंकल के लिए बिहार में एक टेरिटरी को मैनेज किया था, और उसके बाद इन्होंने अपनी एक डायनेस्टी स्टैब्लिश कर दी, दिल्ली पर कब्जा कर लिया, और 1540 से लेकर 1555 तक इन्होंने रूल किया। और जो इनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो कुछ कुछ एलिमेंट्स लेता था अलाउद्दीन खलजी के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से, राइट।
इन्होंने एक तरह से बेस बनाया था अलाउद्दीन खलजी के जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, तो वहां से बहुत सारी चीजें ली थी। और शेर शाह का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, एक तरह से उसने मॉडल का काम किया अकबर के लिए। जो एम्परर थे अकबर, उनके लिए उन्होंने एक मॉडल का काम किया उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के लिए। तो कब मॉडल का काम किया? जब अकबर अपने मुगल एम्पायर को कॉन्सोलिडेट कर रहे थे, तो उस टाइम उन्होंने शेर शाह सूरी के जो एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल था उसका एक तरह से सहारा लिया। तो इसमें हमने देखा कि किस तरह 15th एंड 16th सेंचुरी तक बहुत सारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स इमर्ज हो गए थे, नए नए रूलिंग ग्रुप्स निकल कर आ रहे थे। हमने शेर शाह सूरी के बारे में पढ़ा कि किस तरह उन्होंने पहले एक छोटी सी टेरिटरी को मैनेज किया बिहार में, और उसके बाद उन्होंने मुगल एम्परर को चैलेंज ही नहीं किया, सिर्फ उनको हरा भी दिया। बट इनका जो रूल था वो इतना ज्यादा लंबा नहीं था, वो सिर्फ 15 साल तक ही था। बट इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो बहुत ज्यादा अच्छा था, जो कि अकबर ने भी उसको मॉडल की तरह यूज किया था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एल्सवेयर। तो द थ्री ऑर्डर्स, द पीस ऑफ गॉड, नाइट्स एंड क्रूसेड्स। तो ये जो आइडिया ऑफ थ्री ऑर्डर्स है, ये सबसे पहले फ्रांस में स्टार्ट हुआ अर्ली 11th सेंचुरी में। तो इसका क्या सिस्टम था कि ये आइडिया था कि डिवाइडेड द सोसाइटी इंटू थ्री क्लासेस। तो इन लोगों ने पूरी सोसाइटी को तीन क्लासेस में डिवाइड कर दिया। कौन सी वो तीन क्लासेस थी? फर्स्ट, हु प्रेड, जो कि प्रार्थना करते थे। सेकेंड, हु फॉट, एंड दोज हु टिल द लैंड, जो थे ये थर्ड कैटेगरी थी। मतलब तीन लोग थे जो प्रेयर करते थे, जो लड़ते थे, और जो टिल करते थे, मतलब एक तरह से जो पूजा पाठ वगैरह करने वाले लोग, जो लड़ने वाले लोग, जो लड़ाइयाँ लड़ते हैं, और तीसरे थे जो किसान वगैरह हैं। तो दिस डिविजन ऑफ सोसाइटी इंटू थ्री ऑर्डर्स वर सपोर्टेड बाय द चर्च। तो चर्च ने इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, क्यों किया? डेफिनेटली कि जो फर्स्ट जो क्लास थी उसमें लिखा गया था हु प्रेड, तो चर्च में क्या होता है, प्रेयर ही होती है। तो इसलिए चर्च ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया इस सिस्टम को, ताकि वो एक अपना डोमिनेंट रोल निभा पाए इस सोसाइटी में, एक डोमिनेंस बना पाए। और इसके इसके बाद दिस हेल्प द इमर्जेंस ऑफ न्यू वॉरियर ग्रुप कॉल्ड नाइट्स। तो इसके बाद क्या हुआ, ये जो डिविजन हुआ सोसाइटी का, तो इसके बाद एक नया वॉरियर ग्रुप निकल के आया जिसको नाइट्स कहा जाता है। तो जो चर्च था उन्होंने इस ग्रुप को, नाइट्स को पेट्रोनाइज्ड किया। पेट्रोनाइज्ड मतलब कि जैसे किसी को पेट्रोनेज दी जाती है, पैसा वगैरह दिया जाता है, उनको हेल्प की जाती है, ठीक है? तो इनको पेट्रोनेज दी, और क्यों दी? ताकि वो आइडिया ऑफ पीस को प्रोपगेट कर सकें, लोगों में फैला सकें, ठीक है? जो पीस ऑफ गॉड का आइडिया है इसको अलग अलग जगह पे फैला सकें। और इन्होंने ये पेट्रोनेज इसलिए भी दी थी ताकि जो चर्च था उसका एम क्या था, कि वॉरियर्स को आपस में उनकी जो मुठभेड़ है उससे ध्यान हटा के, उससे इनका ध्यान हटा के मुस्लिम्स ने जो सिटी ऑफ जेरूसलेम पे कब्जा किया हुआ है उस पे फोकस करवाना, राइट? कि तो चर्च क्या चाहता था कि ये लोग आपस में ना लड़े, बल्कि जो मुस्लिम्स ने जेरूसलेम पे कब्जा किया हुआ है वो एरिया उनसे छुड़वाएं और वहां पे अपना कंट्रोल करें। और इस वजह से क्या हुआ, बहुत सारे सीरीज ऑफ कैंपेन्स किए गए जिन्हें की कहा जाता है क्रूसेड्स। इस कैंपेन ने जो सर्विस ऑफ गॉड्स और जो चर्च था उसके लिए ये सभी कैंपेन्स लड़े जा रहे थे। तो एक तरीके से इन कैंपेन्स ने जो स्टेटस था, रियल स्टेटस था नाइट्स का, कि वो लड़ते हैं, वो वॉरियर्स हैं, तो उसका स्टेटस एक तरीके से पूरा चेंज हो गया। ओरिजिनली जो नाइट्स थे वो नोबल क्लास से नहीं थे, बट बाय द एंड ऑफ 11th सेंचुरी के एंड तक क्या हुआ फ्रांस में, और उसके एक सेंचुरी बाद मतलब कि 12th सेंचुरी तक जर्मनी में भी क्या हुआ, कि जो नाइट्स की ओरिजिन थी, कि वो किस लिए बने थे, उनका क्या काम था, मतलब जो उनकी ओरिजिन थी वो लगभग सभी लोग भूल गए और इन्हें नोबल्स की तरह ट्रीट करा जाने लग गया। और 12th सेंचुरी तक खुद जो नोबल्स थे वो चाहते थे कि उन्हें लोग नाइट्स पुकारें, ठीक है, उन्हें नाइट्स कहें। तो एक तरीके से क्या हुआ था, मैं आपको वापस से शॉर्ट में बता देती हूँ कि जो फ्रेंड्स थे उन्होंने एक सिस्टम लाया कि वो सोसाइटी को तीन ऑर्डर्स में डिवाइड करेंगे, जो प्रेयर करते हैं, जो लड़ते हैं, और जो लैंड्स को टिल करते हैं, जो पेजेंट्स वगैरह हैं। तो इस सिस्टम को बहुत ज्यादा साथ दिया, बहुत ज्यादा उसकी प्रेज की किसने? चर्च ने, क्योंकि सबसे टॉप पे किसको रखा जा रहा है, किस क्लास को रखा जा रहा है, कि जो या मतलब इसमें प्रेयर्स वालों को भी अहमियत दी जा रही है। तो इसलिए चर्च ने जो है बहुत ज्यादा सपोर्ट किया इस आइडिया को, और उन्होंने क्या किया, जो वॉरियर ग्रुप था उसको पैट्रोनेज दी, ताकि वो जो आइडिया ऑफ पीस ऑफ गॉड है उसको अलग अलग जगह पे फैला सकें, और जो मुस्लिम्स ने जेरूसलेम पे कब्जा किया हुआ है वो कब्जा छुड़वा सकें।
और इस चक्कर में बहुत सारे कैंपेन्स लड़े गए, और ये जो कैंपेन्स थे वो किस लिए किए जा रहे थे? इन द सर्विस ऑफ गॉड, भगवान के लिए किए जा रहे थे, चर्च के लिए किए जा रहे थे। तो नाइट्स की जो ओरिजिन थी वो सब लोग लगभग भूल गए और इनको एक तरह से नोबल्स की तरह ट्रीट करा जाने लग गया, और बाद में जो नोबल्स थे वो खुद अपने आप को नाइट्स कहलवाना चाहते थे। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन बन गई थी। So with this we come to the end of our chapter number 3 of class 7th history. I hope you like this chapter. You got to know a lot of things. And if you do, then please give it a thumbs up. And if you are new to the channel, then please subscribe it. And don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So we will meet in the next video with a new topic. Till then, bye bye and take care.